तो आ जाओ जरा फोर के ऊपर। चैप्टर नंबर फोर पुरानी बुक में चैप्टर नंबर सिक्स के नाम से होता था, सेम ही नाम है, सेम ही टॉपिक्स है, बस थोड़े बहुत इजाफा हुआ टॉपिक्स के अंदर। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे कि भाई बहुत मैंने बात बोली है कि जब भी आपको चैप्टर पढ़ते हुए कहां पे नजर आएगा आपको, तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये बच्चों रियल लाइफ में भी ना आपको पैटर्न ढूंढ रहे होते हो। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना, आप देख रहे हो तो यार कोई रियल वर्ल्ड का कोई, फॉर एग्जांपल कोई केस है, फॉर एग्जांपल पुलिस को केस सॉल्व कर रही है, तो वो पैटर्न ढूंढ रही होती है यार। अच्छा मुजरिम जो है वो ये काम कर रहा है, उसके बाद वो करे, कॉमन पैटर्न नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये मैक्सिमम जगह पे एमसीक्यूज में सीक्वेंस के एमसीक्यूज आते ही आता है, चाहे कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो। तो सीक्वेंस सीरीज होती क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा इंपॉर्टेंट का मतलब पेपर नहीं होता, मेरा इंपॉर्टेंट का मतलब कि आगे की लाइफ में काफी काम आएगा, पूरे आप लोगों के एजुकेशनल कैरियर में। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, जैसे आपने एक सेट के बारे में पढ़ा था, सेट क्या होता था, एक नंबर्स होते थे, नंबर्स कर लो, अल्फाबेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1 2 3, आप उसको कर्ली ब्रैकेट से लिखा करते थे। अब सेट और सीक्वेंस में फर्क क्या होता है, एक तो नोटेशन का थोड़ा बहुत फर्क होता है, आप सीक्वेंस में प्रेफर नहीं करते कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बगैर ही आप नंबर्स को लिख रहे होते हो। और दूसरा मेन फर्क क्या है कि सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर होता है, एक पैटर्न होता है, एक लॉजिक होती है, रूल होता है उसके अंदर, जबकि सेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं इसको 1 2 3 लिखूं, मैं इसको 2 1 3 लिखूं, मैं इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दूं, असल चीज मैटर क्या करती है कि सेट के अंदर यही तीन एलिमेंट होने चाहिए, तो वो एक ही बात है। ये भी सेम ही सेट है, ये मैं इसको तीसरे तरीके से भी लिख, मैं छह तरीके से लिख सकता हूँ इस चीज को, तो एक ही सेट माना जाएगा, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज नहीं है, बस मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में ऑर्डर से। लेकिन जो सीक्वेंस होती है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स ही है, लेकिन उसमें खास ऑर्डर होता है, उसको आप रैंडम इस तरह नहीं लिख सकते, एक खास ऑर्डर होता है, तो आप उसको सीक्वेंस बोलोगे। उसके सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं आपके सामने लिखूं 2 5 8 11, अगर आप देखो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि हर क्रम में मैं 3 ऐड करता जा रहा हूँ, 2 में मैंने 3 ऐड किया, 5 आया, 5 के अंदर 3 ऐड किया, 8 आया, 8 के अंदर 3 ऐड किया, 11 आया, तो कहने का मतलब ये नंबर रेंडमली मैंने लिखे नहीं है, एक खास ऑर्डर है इसके अंदर, एक खास पैटर्न है, एक रूल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 5 8 11 2, अब मुझे बताओ कोई पैटर्न है इसके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर कि 5 में मैंने 3 ऐड किया, 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया, 11 आया, 11 के अंदर 3 ऐड करना था, 14 आना चाहिए था ना, 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब कोई पैटर्न, कुछ ऑर्डर, कुछ रूल आपको नजर नहीं आ रहा। तो अभी सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस में आपको कुछ ना कुछ रूल, लॉजिक, पैटर्न, ऑर्डर, कोई भी वर्ड आप बोल सकते हो, कुछ तो नजर आए ना उसके अंदर, तब आप उसको सीक्वेंस बोलोगे। तो ये वाली सीक्वेंस नहीं कराई जाएगी जब तक कुछ आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा, और जब आप ऑर्डर या पैटर्न कुछ पहचान जाओगे यार अच्छा ये चीज है, इसको आप सीक्वेंस बोलोगे, ठीक है। और सीरीज का कौन सा बाद में भी हम देखेंगे, अभी मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, बाद में इंशाल्लाह जब सीरीज का टॉपिक आएगा तब बता दूंगा। सीरीज ये होता है कि जो आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स है ना, इनको आपस में आप ऐड कर दो, जैसे 2 5 8 11, ये एक सीक्वेंस है, इसको अगर आपने सीरीज बनाना है तो इनको आपस में आप ऐड कर दो, इस तरीके से ऐड करते जाओगे जो नेक्स्ट टर्म भी आएंगी, प्लस का साइन डालो और ऐड करते जाओ, आता जाएगा इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस है, अगर आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दो तो आप उसको सीरीज बोल दोगे, ठीक है। सीरीज पे डिस्कशन बाद में देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा, अभी फिलहाल सीक्वेंस का ही है शुरू की एक्सरसाइज में। एक और बात, सीक्वेंस जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक तो फाइनाइट सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि 14 17 20, फॉर एग्जाम्पल 23, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना पूरी, इस सीक्वेंस को आप बोलोगे फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि खत्म हो गई है, ये स्टार्ट हुई थी 2 से, 5 8 11, फिर आएगा 14, फिर आएगा 17, फिर आएगा 20, फिर आएगा 23, ये सीक्वेंस खत्म हो गई है। अब सवाल ये कि दरमियान में ये डॉट 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 लिखने की क्या तुक है, भाई इतने नंबर लिखने का फायदा कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर लिखो, अब क्या 1 से लेके 100 तक लिखते जाओगे क्या, नहीं, सिंपल तरीका क्या, आप लिखो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट डालते हैं, आमतौर पर लोगों को मजे आ रहे होते हैं वो 4 5 डॉट लिख देते हैं, प्रॉपर तरीका क्या होता है कि 3 डॉट डालते हैं, इसका भी नाम होता है, इसको आप एलिप्सिस कहते हो। तो ये उस वक्त यूज होते हैं कि जब आप बताना चाह रहे होते हो कि यार इसी पैटर्न को आप आगे तक लेके जाओ, जैसे 1 2 3, अब आप कहना चाह रहे हो यही पैटर्न आगे भी जाएगा, 4 5 6 7 8, अप टू कहां तक जाना है आपने, 100 तक जाना है। तो इस तरह आपके पास कोई सीक्वेंस लिखी भी हो तो इसको आप कहोगे कि फाइनाइट सीक्वेंस है, खत्म हो रही है, ये 100 तक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये 100 ना लिखा जाए तो अब ये जो है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई है, क्यों, कोई खत्म नहीं हो रही, कोई एंडिंग लिमिट नहीं है, ये तो चलता जा रहा है, 4 5 6 नेचुरल नंबर खत्म थोड़ी ना होंगे आपके पास, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो एंड पे अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे कि यार ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है।
अगर लिखा हो इस तरीके से तो आप बोलोगे ये फाइनाइट सीक्वेंस है, खत्म हो रही है। एक और पॉइंट, फंक्शन का टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 8 में, आपने देखा था फंक्शन क्या होता है, आप कुछ इनपुट करते हो और आपको आउटपुट मिल रहा होता है। नॉर्मली आपका इनपुट रियल होता है और आउटपुट भी आपको रियल मिल रहा होता है, तो सीक्वेंस को भी आप एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखो फंक्शन और सीक्वेंस में फर्क होता है। सीक्वेंस को जब आप ड्रॉ करते हो ना, इस चीज को ध्यान में रखो, जैसे फंक्शन होता है ना उसको आप इस तरह लिखते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो एक्स होता है ये नॉर्मली आपका रियल होता है ना, आप कुछ भी रियल यहाँ पे पुट कर दो, सही है, तो रियल नंबर में हर वैल्यू आ गई है, आयोटा के अलावा जितने भी नंबर है सब रियल नंबर है। लेकिन सीक्वेंस एक स्पेसिफिक किस्म का फंक्शन है, एक इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, इसका इनपुट क्या होता है, इसका इनपुट को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से, क्या मतलब इसका, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, मतलब आप एन की जगह सबसे पहले वन पुट करोगे। अगर मैं आपको बोलूं ए वन निकालो तो ए वन क्या है, पहली टर्म आपकी क्या है टू के बराबर है। मैं आपको बोलूं ए टू निकालो तो दूसरी टर्म क्या है फाइव के बराबर है। मैं अगर आपको बोलूं कि ए फॉर एग्जाम्पल फोर निकालो तो उसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ चौथी टर्म क्या है इलेवन के बराबर है। तो सीक्वेंस को भी आप एज अ फंक्शन ले सकते हो, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे इनपुट जो था वो रियल होता था, कुछ भी रियल आप पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे इनपुट जो है वो आपका नेचुरल होगा। आप यहाँ पे n की जगह 1.5 पुट नहीं कर सकते, सेंस नहीं बनेगी 1.5 की, क्यों, देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, 1.5 टर्म कौन सी होती है, कभी काउंट करते हुए आपने बोला है कि 1.5, नहीं, आप बोलोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सेंस नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो आपका इनपुट होता है नेचुरल होता है, जबकि आउटपुट आपको कोई भी रियल मिल सकता है। आप देखोगे सीक्वेंस की टर्म पॉजिटिव भी आपको नजर आएंगी, कहीं सीक्वेंस की टर्म आपको नेगेटिव भी नजर आएंगी, कहीं सीक्वेंस में कोई रूट भी आ रहा होगा, मतलब इरेशनल नंबर भी होगा, रैशनल भी होगा, इसी तरह कहीं जगह जाके आपको आयोटा भी नजर आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब जो सीक्वेंस का आउटपुट होगा ना वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन जो इनपुट है वो नेचुरल होगा। सेंस मैंने बता दिया, पहली दूसरी ये वाली सेंस बनती है इसके अंदर। तो फंक्शन की फॉर्म में आप इसको इस तरह लिखोगे, मैंने फंक्शन की नोटेशन बताई थी ना, जैसे इस फंक्शन को आप इस तरह लिखते थे आर एरो आर, इसका मतलब क्या था कि जो डोमेन है इसकी, जो इनपुट का सेट है वो भी रियल है और जो आउटपुट का सेट है वो भी रियल है। सीक्वेंस को आप किस तरह लिखोगे, सीक्वेंस में आप डोमेन की जगह लिखोगे एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, इसका इनपुट नेचुरल है, नेचुरल के अलावा कोई नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, कोई आप फ्रैक्शन पुट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर ही आप पुट करोगे। जबकि आउटपुट जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे रियल नंबर भी कवर हो गए ना, जितने रियल नंबर होते हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हो ना, सब कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं कह सकते लेकिन जितने रियल है वो सब कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइव है, फाइव रियल नंबर है लेकिन आप इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, सही है। तो अगर मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया इसका मतलब इसमें रियल भी आ जाएंगे सारे और ऐसे नंबर भी आ जाएंगे जो रियल नहीं है, मतलब 2+2 आयोटा, मतलब इमेजिनरी भी आ जाएंगे और वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएंगे जो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हर किस्म का आपको आंसर मिल सकता है लेकिन इनपुट जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो ये पॉइंट भी बुक ने लिखा हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से नॉलेज नहीं दे रहा आपको, सब चीजें बुक ने पहले पेज पे मेंशन की ही हैं, तो ये बातें समझना आप लोगों के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ी अच्छी बातें हैं। तो सीक्वेंस के बारे में बेसिक से आपने बात पढ़ ली। अच्छा यार एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे सीक्वेंस, और एक वर्ड हम यूज करते हैं प्रोग्रेशन, ये दो वर्ड है। सीक्वेंस का वर्ड भी यूज होता है लेकिन आप कहीं देखोगे सीक्वेंस की जगह पे लिखा होगा प्रोग्रेशन। तो नॉर्मली टीचर्स तो यही बोलते हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने ढूंढा था तो मुझे एक जगह पे फर्क मिला था और मुझे अच्छा लगा था ये फर्क जो उन्होंने बताया था, कि ये जो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन है तो मोर ऑर लेस सेम ही, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सीक्वेंस आप हमेशा किसी भी रैंडम, अगर आपके पास कोई नंबर है ना जिनके दरमियान आपको एक रूल नजर आ रहा है आप उसको सीक्वेंस कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैं ऐसी एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं जिसमें दोनों में फर्क है, वो एग्जाम्पल क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर हो, तो कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, इस तरह चलते रहते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको, कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर। ये लॉजिक तो आपको समझ आ रही है कि लॉजिक क्या है कि इन सबके दो फैक्टर है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपको पता चले कि आप एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो या किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर ये वाली सीक्वेंस है, अगर आप देखो इसमें हो क्या रहा है, आप हर सीक्वेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो कुछ ना कुछ पैटर्न आपको नजर आना चाहिए ना, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा इस बात को यहीं पे रहने दो, मैं एक बात यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गया हूँ, पहले उस पर आ जाते हैं फिर मैं दोबारा इस पे आता हूँ, कि थोड़ी देर के लिए इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखो, सॉरी थोड़ी जहन से निकाल दो, इस पे आ जाओ दोबारा। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है,
ठीक है, इस तरीके से। और आपको बोला जाता है ये सीक्वेंस की शुरू की चार ड्रम लिखी हुई है, और आपको बोला जाता है कि इसकी 10वीं ड्रम निकालो, या फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है इसकी 20वीं ड्रम निकालो। अब एक तरीका क्या है कि चार ड्रम है, आप पांचवी लिखो, छठी, सातवीं, आठवीं, करते 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 आप 20वीं ड्रम लिखो, ये लंबा तरीका है। अब फॉर एग्जाम्पल बोलो 50वीं ड्रम निकालो, अब आप कहोगे सर 50वीं ड्रम निकालने में कितना टाइम लगेगा, मैं तो लिखते ही रहूंगा मैनुअल इसको। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि आप इसकी जनरल ट्रम निकाल लो। ये जनरल ट्रम का कॉन्सेप्ट मुझे देना था आप लोगों को। अब ये जनरल ट्रम क्या होती है, जनरल ट्रम आपको आसानी करती है कि आप उसमें अपनी पसंद की कोई भी ट्रम निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात, जनरल ट्रम बनाने का तरीका अलग होता है, वो हर सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं। ये बाद में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे, इसको एपीएम कहते हैं, बाद में इंशाल्लाह 4.2 में हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। बनाया कैसे है वो इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखता हूँ और बताता हूँ कि वर्क कैसे करती है चीज। इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 2+n-1 3, मतलब सिंपल लैंग्वेज में 3n-1। इसका फॉर्मूला होगा 3n-1। जनरल टर्म का सिंबल क्या होता है, आप ए लिखते हो और सबस्क्रिप्ट में एन लिखा होता है आपने, ठीक है। ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसको टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कि ए एन और टी एन का मतलब क्या है, देखो जो आपकी टर्म्स होती है ना, इसको आप कहते हो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो इसको जनरल फॉर्म में आप इस तरह लिखते हो, A1, A2, A3, A4। जनरल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी। तो आप ए वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हो, बुक में मेंशन है, और आप टी वाली भी यूज कर सकते हो। टी वाली ज्यादा सेंस बनाती है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। तो दोनों सिंबल यूज होते हैं, दैट्स व्हाई जनरल टर्म में ए एन या टी एन ये लिखा जाता है, और ये जनरल टर्म है। अब आई कहां से, ये फिर कभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। इसका जरा काम देखो, काम क्या करेगी, आप सबसे पहले एन की जगह वन पुट करो। पहली टर्म क्या है यहां पे, पहली टर्म टू है ना, तो आप यहां पे एन की जगह वन पुट करो, देखना टू आ रहा है। आप एन की जगह टू पुट करो, देखो दूसरी टर्म फाइव आ रही है। यहां पे जब टू पुट करोगे तो 6-1 5। आप एन की जगह थ्री पुट करो, आपको 8 मिलेगा। आप एन की जगह 4 पुट करो, आपको 11 मिलेगा। तो अब ऑब्जर्व करो यहां से कि आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, एक जनरल टर्म आ गई। अब आपको जो भी टर्म निकालनी है अब यहां पे पुट कर दो। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता और मैं बोलता कि यार इसकी 50वीं टर्म निकालो, लंबा तरीका था कि पूरी मैनुअल लिखते 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 50वीं टर्म पे जाते, लेकिन अब आपके पास एक फॉर्मूला है, आप क्या करो इसमें एन की जगह 50 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 150-1 149। कितना जल्दी मेरे पास आंसर आ गया कि मैं बोल सकता हूँ इस सीक्वेंस की 50वीं टर्म क्या है, 149। जैसे चौथी टर्म 11 है ना, इसी तरह करते करते जो 50वीं टर्म होगी इसकी वो 149 होगी। तो ये फायदा होता है, हम किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म निकाल लेते हैं। अब जनरल टर्म से हमारी मर्जी है, हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना चाहे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हर सीक्वेंस में आप जनरल टर्म निकाल रहे होगे इस तरीके से, सही। तो जनरल टर्म का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब दोबारा इस पे आ जाओ। मैं आप लोगों को फर्क बता रहा था सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में फर्क क्या है। तो जो सीक्वेंस होती है ना बच्चों, कुछ ऐसी भी सीक्वेंस है जिनका जनरल टर्म आप नहीं निकाल सकते, जो फॉर्मूला है ना ये आप नहीं निकाल सकते, वो ये वाली है। दुनिया में अभी तक इसका फॉर्मूला किसी ने निकाला नहीं है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप एन की वैल्यू पुट करो, आपको पहली मिल जाए, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए, या फॉर एग्जाम्पल पांचवी, छठा प्राइम नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप एन की वैल्यू 7 पुट करो तो सातवा प्राइम नंबर मिल जाए आपको। सातवा प्राइम नंबर कौन सा है, 17। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी तरह आप एन की जगह 20 पुट करो तो आपको जो 20वां प्राइम नंबर है वो मिल जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला इसका अभी तक प्रूव नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर को आप इस तरह मालूम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई नंबर है आप ये चेक कर सकते हो कि वो प्राइम है या नहीं, चेक हो सकता है कि वो प्राइम है या नहीं, लेकिन आप मालूम नहीं कर सकते कि यार इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाया जाए तो 20वां प्राइम नंबर क्या होगा, 100 प्राइम नंबर क्या होगा। इस सीक्वेंस में आप जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो जिस सीक्वेंस में आप जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते ना, उसको आप प्रोग्रेशन नहीं बोलते। प्रोग्रेशन का वर्ड उसी सीक्वेंस के साथ बोला जाता है जिसका आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये है सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए, कुछ लॉजिक चलनी चाहिए। तो लॉजिक तो चल रही है ना कि हर नंबर का दो फैक्टर है, कोई तो पैटर्न लॉजिक है ना इसके अंदर, लेकिन इसको आप प्रोग्रेशन नहीं बोलोगे, क्योंकि प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला जरूर होना चाहिए और इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई ये थोड़ा बहुत छोटा बहुत फर्क है इसमें। तभी आप देखोगे अभी मशहूर तीन सीक्वेंस पढ़ोगे आप इस चैप्टर के अंदर, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, सबके साथ प्रोग्रेशन का वर्ड यूज होता है, AP, GP, HP। उसकी मेन वजह ये है कि इन सबके जनरल टर्म के फॉर्मूले हैं। तो जिन सीक्वेंस के आप जनरल टर्म के फॉर्मूले निकाल सकते हो
उनके लिए प्रोग्रेशन का वर्ड यूज करते हैं, उनको सीक्वेंस भी बोल सकते हो, सीक्वेंस देखो हर एक को बोल सकते हो ना, प्रोग्रेशन आप उसको बोलोगे जिसका जनरल टर्म का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता होगा। तो ये थोड़ा बहुत फर्क है, अगर कोई इसको एक मानों में भी इस्तेमाल कर सकता है तो वो मैथमेटिकल कोई इसने कॉन्सेप्ट में खराबी नहीं की, लेकिन हल्का फुल्का फर्क है, ये मैंने पढ़ा था, तो इसलिए आप लोगों को हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, वरना अगर इसको एक भी मान ले तो ऐसा कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है इसके अंदर। तो सीक्वेंस का मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब 4.1 के तीन टॉपिक है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस सीक्वेंस, एक है पास्कल सीक्वेंस और एक है फैक्टोरियल सीक्वेंस। इन तीनों को पढ़ते हैं तो 4.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कोई सवाल है यहां तक किसी का तो पूछ लो। सर सीक्वेंस में एक ही नंबर एड होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है? एक ही नंबर नहीं, मतलब चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक वन थ्री नहीं इस तरह करते हैं, वन टू फोर सेवन इलेवन सिक्सटीन 22। आप इसमें देखो क्या हो रहा है, एक नंबर ऐड नहीं हो रहा। मैं जैसे यहां पे था ना कि मैं हर दफा थ्री ऐड कर रहा था, अब मैं हर दफा जो नंबर ऐड कर रहा हूं उसमें वन ऐड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल वन में मैंने वन ऐड किया तो टू आया, टू में मैंने टू ऐड किया तो फोर आ गया, फोर में मैंने थ्री ऐड किया तो सेवन आ गया, सेवन में मैंने फोर ऐड किया तो इलेवन आ गया, इलेवन में फाइव ऐड किया, सिक्सटीन में सिक्स ऐड किया। तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वो फिक्स हो, अगर वो नंबर फिक्स है तो उसका स्पेसिफिक नाम है, जिसको आप कहते हो अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो 4.1 के आगे टॉपिक है, कि उसमें जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, लेकिन वो सिर्फ अरिथमेटिक ही शर्त है। अगर आप नॉर्मल सीक्वेंस कह रहे हो तो भाई सीक्वेंस में कुछ पैटर्न होना चाहिए। अब इसके अंदर पैटर्न है, पैटर्न क्या है कि जो भी आप नंबर ऐड करते जा रहे हो उसमें वन ऐड करते जा रहे हो, पहले में आपने वन ऐड किया तो दूसरे में टू। अब ये रैंडम नहीं लिखा हुआ मैंने, तो ये रैंडम चीज नहीं है, एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, तो बस वो पैटर्न नजर आ गया वो सीक्वेंस है। अब कुछ स्पेसिफिक किस्म के पैटर्न है जिनको आपने नाम दिया हुआ है, जैसे इस वाले पैटर्न को अरिथमेटिक नाम दिया हुआ है, इस वाले को ज्योमेट्रिक दिया हुआ है, तो वो अलग बात है, लेकिन सीक्वेंस तो होगी है। जरा देख लो कि इंट्रोडक्शन में यही चीजें या कोई और चीज उन्होंने मेंशन की हुई थी। हाँ बस जनरल बात बता दी, सही है। अगर जनरल टर्म लिखी हुई हो और आपको सीक्वेंस निकालनी हो ना, उसकी नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो सारी, तो जनरल टर्म में एन की जगह वन पुट करो पहली टर्म आ जाएगी, टू पुट करो दूसरी, थ्री पुट कर दो, तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक एग्जांपल है जो मैं 4.1 में सॉल्व करवा दूंगा, तो टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाओ ट्रायंगुलर सीक्वेंस पे, सबसे तीन टॉपिक है 4.1 के, तो तीनों में से पहला ये तो इंट्रोडक्शन था सीक्वेंस का। अब 4.1 आपकी स्टार्ट हो रही है, 4.1 तो खैर पहले भी स्टार्ट हुई थी। खैर सीक्वेंस में सबसे पहली जो आप पढ़ोगे यहाँ पे, ये कुछ बेसिक सी सीक्वेंस है आपकी, इजी सीक्वेंस है, इसको आप कहते हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस। अच्छा ट्रायंगुलर भी होती है, एक टेट्राहेड्रल भी होती है, डिफरेंट सीक्वेंस होती है इसको, मतलब डिफरेंट मिल जाएंगे आपको, टेट्राहेड्रल सीक्वेंस भी है और भी सीक्वेंस होती है सारी, लेकिन आपकी जो बुक में लिखी हुई उन्होंने जस्ट ट्रायंगुलर सीक्वेंस लिखी हुई है। अब सवाल ये कि ट्रायंगुलर सीक्वेंस होती क्या है, सबसे पहले ना मैं लिख देता हूँ कि सीक्वेंस में क्या होता है, सबसे पहले वन आता है, फिर थ्री होता है, फिर सिक्स होता है आई गेस, फिर टेन, फिर फिफ्टीन और फिर 21। अगर आप देखो ये वही चीज है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अभी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस छोड़ो अभी वो आप लोगों के लिए मुश्किल वर्ड है, जो नंबर आप ऐड कर रहे हो उसको हर टर्म में मजीद एक बढ़ाते जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने वन के अंदर टू ऐड किया थ्री आया, थ्री के अंदर थ्री ऐड किया तो सिक्स आया, सिक्स के अंदर फोर ऐड किया टेन, इसके अंदर फाइव, इसके अंदर सिक्स। लेकिन ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न तो आपको बाकी जगह भी नजर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट करो 10 से और यही पैटर्न रखो कि 10 में 2 ऐड करो 12 आएगा, इसमें 3 ऐड करो 15 आएगा, इसमें 4 ऐड करो 19 आएगा, तो इसको ट्रायंगुलर सीक्वेंस बोलोगे? नहीं। ट्रायंगुलर सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि ये पैटर्न आपको जहां भी नजर आ जाए आप बोलो ट्रायंगुलर सीक्वेंस है, नहीं। ट्रायंगुलर सीक्वेंस आप उसको बोलोगे जब आपको ये वाली सीक्वेंस मिले, एग्जैक्ट ये वाली सीक्वेंस जिसकी पहली टर्म 1 हो, दूसरी 3 हो, तीसरी 6 हो। पैटर्न तो कहीं और भी मिल सकता है आपको, जैसे इसमें भी यही पैटर्न है जो इसके अंदर था, लेकिन ट्रायंगुलर सीक्वेंस स्टार्ट कहां से होती है? 1 से स्टार्ट होती है, दूसरी टर्म 3, तीसरी टर्म 6, तो स्पेसिफिक किस्म की सीक्वेंस है जिसकी ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगुलर कहां से आ गया? इसको तो आप एक सीक्वेंस भी बोल सकते थे, हम ट्रायंगल का वर्ड यहां पे क्यों यूज कर रहे हैं? तो वो अब इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो सारे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब नंबर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं।
तो जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए ना कि आपने ट्राइंगल बनाना है, आपके पास कुछ बॉल्स हैं और बॉल्स के साथ आपने ट्राइंगल बनाना है, तो सबसे छोटा ट्राइंगल आप कैसे बनाओगे? एक बॉल यहां रखोगे, एक बॉल इसके साथ रखोगे, एक बॉल इसके साथ रखोगे, तो देखो एक किस्म का ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर मैं अगर बोलूं थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनाओ, तो आप क्या कहोगे? सर एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर। अब देखो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये वो नंबर्स ऑफ बॉल हैं जो आपको चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए। क्या मतलब है? अब जरा गौर से समझो। सबसे पहला केस क्या है कि हम एक डॉट लेते हैं, वो ये वाला है। इसमें आपको कोई ट्राइंगल मिल नहीं रहा, लेकिन एक आइडियल केस हम डिस्कस करते हैं कि पहला केस आप वन से स्टार्ट कर रहे हो, एक डॉट है, ठीक है, इसमें आपको इतना अच्छा नजर नहीं आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता हुआ, इससे स्टार्ट करो। दूसरे में क्या है, तीन डॉट आपको चाहिए। अब तीन डॉट से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे, जैसे मैंने यहां पे बनाया था इस तरह, तो आप देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इस तरीके का पैटर्न आपको नजर आ रहा है यूं करके। तो ये तीन डॉट से आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। फिर आप क्या कर रहे हो, ये जो सिक्स है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, कैसे? छह डॉट चाहिए आपको, तीन चार पांच छह, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। कैसे इक्विलेटरल? अगर आप साइड निकालो तो सब साइड इक्वल है ना, दिखने में आपको लग रहा है इस साइड पे भी तीन डॉट है, इस पे भी तीन है, इस पे भी तीन डॉट है। तो सब नंबर जो है ना, ये आपको बता रहे हैं कि कितने आपको डॉट चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह 10 डॉट्स से भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, कैसे? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो हो क्या रहा है, इसको ट्रायंगल हम कहते हैं इसलिए है कि ये जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना, जो इसकी टर्म्स है, ये आपको बता रही है कि कितने डॉट्स आपको चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए, सही है? तो एक डॉट, तीन डॉट, छह, दस, फिर पंद्रह होंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह भी समझ सकते हो कि हर हर मतलब ट्राइंगल के अंदर ना आप एक रॉ का इजाफा कर रहे हो। जैसे इसके अंदर आपने एक रॉ का इजाफा किया, दो एलिमेंट्स थे, अब इसके अंदर आप तीसरी रॉ का इजाफा करो, देखो इसके अंदर तीन एलिमेंट है, फिर आपको एक दो तीन रॉ मिल गई है। अब नेक्स्ट के अंदर आप चौथी रॉ निकालो, एक दो तीन चार, ये चौथी रॉ आ गई। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, इसी तरह इसके बाद क्या होगा, पांचवी रॉ का इजाफा करोगे, पांचवी रॉ नीचे लिख दो, एक दो तीन चार पांच, हर जो रॉ लिखने लगे उसमें एक डॉट ज्यादा होता है, तो ये पांच हो गई। तो अगर काउंट करना देखना, इसमें आपको 15 मिल रहा होगा। फिर एक और रॉ का इजाफा करो, तो जरा काउंट करना देखना, 21 डॉट आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये ट्राइंगुलर सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी हर नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपको नंबर ऑफ डॉट बता रही होती है कि जिनकी मदद से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हो, ये असल कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है? तो इसको आप कहते हो ट्राइंगुलर सीक्वेंस। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिए, पैटर्न नहीं आपने देखना, आपको एग्जैक्ट यही सीक्वेंस मिलेगी तभी आप इसको ट्राइंगुलर बोलोगे, इसको आप ट्राइंगुलर नहीं बोल सकते, तो जरा ध्यान में रखना है आपको। अब रही बात, अगेन वही बात, जब भी आपके पास सीक्वेंस आती है तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल आता है कि यार इस सीक्वेंस की शुरू की छठी टर्म तो मुझे पता है, इसकी छठी टर्म क्या है? 21। सातवीं टर्म भी निकाल लोगे, आठवीं टर्म भी निकाल लोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं 50वीं टर्म निकालो, फिर आपके जहन में जाएगा यार अब मैं क्या करूं, मैनुअली अगर मैं लिखूंगा तो 50वीं टर्म तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मुझे जनरल टर्म चाहिए इसका, कि उस फॉर्मूले में मैं एन की जगह 50 पुट करूं, मेरे पास आंसर आ जाए कि इसकी 50वीं टर्म क्या है। अब वो आप कैसे निकालोगे? उसकी डेरिवेशन बुक ने बहुत आसानी से की दी है, मैं कोशिश करता हूं समझा दूं, थोड़ा गौर से सुनना क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन बुक ने मेंशन किया हुआ तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जैसे तीन डॉट है ना, इनको अरेंज करो आप इस तरीके से, जैसे अभी ये तीन डॉट इस तरीके से, आप इस वाले डॉट को इधर ले आओ, जैसे वो वर्ड अगर आपने यूज किया ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें एक ऑप्शन होता है वर्ड्स को लेफ्ट की तरफ लाने का, लेफ्ट अलाइन कहते हैं उसको, तो ये डॉट है इसको लेफ्ट की तरफ ले आओ तो यहां पे आ जाएगा, सही। उसके बाद ये जो छह वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी आप ये काम करो, अभी देखो छह डॉट इस तरीके से अरेंज हुए हैं, आप क्या करो इन दो को भी लेफ्ट पे ले आओ, इस पहले वाले को भी लेफ्ट पे ले आओ, तब ये हो जाएगा कि ये इधर टॉप पे आ जाएगा और इस तरह आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी, बस डॉट को उठा के लेफ्ट की तरफ आपने अलाइन करना है। इसी तरह जो आपने ये वाला बनाया था इसको भी यही काम करना, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, फिर पांच छ सात आठ नौ दस, ये आप काम कर रहे होगे, ठीक है? आप क्या करो, ये शुरू की मैंने कितनी शुरू की, तीन चार टर्म लिखी है, पहला डॉट तो यहां पे था ना, इसको इग्नोर कर दो, इसको भी वैसे नजर आ जाएगा जो हम काम करने लगे। वो काम क्या है कि शुरू की चार टर्म आपने इस तरीके से लिख दी है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने जितने डॉट है ना इनको डबल कर देना है। ये सब हम काम कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, डबल कर दो आप, कैसे? ये एक डॉट था इसको दो बना दो, ये तीन डॉट है इसको छह बना दो, छह कैसे बनाओ, यहां पे लगाओ
यहाँ पे, यहाँ पे वही पैटर्न आपको नजर आ रहा है जो इस तरह था, अब वो इस तरह नजर आ रहा है, एग्जैक्ट वही है, उल्टा कर दिया बस उसको, तो 6 डॉट हो गए। इसी तरह यहाँ पे कितने, सॉरी यहाँ पे 3 थे तो 6 कर दिए, यहाँ पे 6 है तो कितने कर दो, 12 कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 डॉट हो गए। यही काम आपने इसके साथ करना है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे सब एक रेक्टेंगल आपको मिल रहा है, रेक्टेंगल है ना ये सारा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसी तरह यहाँ पे भी आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा होगा। चलो यहाँ को भी जल्दी से मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये सब आपको रेक्टेंगल मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, रेक्टेंगल को अगर काउंट करना है, सिंपल सी बात है, अगर ये आप लोगों ने मैथ बहुत की होगी बचपन में, जब भी अगर आपको रॉ कॉलम में गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना चीजें लिखी हुई हो, अगर मैं आपको बोलूं इस डॉट को काउंट करो कितने डॉट है, तो कुछ मैं बता सकता है कि इनको काउंट करने का तरीका आप लोगों का क्या होगा? 5 × 6। हाँ, इसने किया क्या है, इसने किया 5 × 6, नहीं नहीं ये नहीं होता। आप क्या करते हो, आप गिनते हो 4 × 5 होगा, मैं बताता हूँ टेक्निक क्या होती है। आप गिनते हो पहली रॉ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 है, टोटल कितनी रॉ है, 4 है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा, यही काम करते हो ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल जब अगर आप याद करो, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 थी, ये पहली टर्म थी, पहली टर्म थी ना, दूसरी टर्म ये थी, फिर ये तीसरी टर्म थी, ये चौथी टर्म थी, तो सब में आप ये चीज फोकस कर सकते हो। मैं इसकी इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा डॉट है, आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इसमें n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ डॉट गिनने का तरीका क्या होगा, आप क्या करोगे 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, तो इसको मैं जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 4 की जगह लिख सकता हूँ n, और 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1। क्या मतलब है इसका भाई, जब भी आपने नंबर ऑफ डॉट काउंट करने हैं तो क्या करो, जो भी उसका नंबर है ना, जैसे इसका नंबर 4 है, तो आप क्या करो 4 को मल्टीप्लाई कर दो उससे एक ज्यादा से, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये चीज आपको यहां पे भी नजर आएगी। इसका नंबर क्या है, ये तीसरी टर्म थी ना, 1 2 3 4, इसकी पहली रॉ में 4 एलिमेंट है, कैसे निकालोगे, और 3 रॉ है, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, अगेन आपको चीज नजर आ रही है कि n 3 था, आपने 3 को मल्टीप्लाई किया उससे एक बड़े नंबर से, तो पैटर्न आपको क्या नजर आएगा, n, और n को मल्टीप्लाई करोगे उससे एक बड़े नंबर में, जिसको आप लिख सकते हो n प्लस 1। ये फॉर्मूला है जो आपको नंबर ऑफ डॉट दे देगा, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। n की जगह यहां पे 1 पुट करो, यहां पे भी 1 पुट करो, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 को 1 से करो 2, 2 डॉट आ गए पहली वाली टर्म में। n की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस 1 3, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6, दूसरे में 6 आ गए। इसी तरह 3 पुट करना तो ये आ जाएंगे, 4 पुट करना ये आ जाएंगे, तो ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। लेकिन जरा ध्यान देना, आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे निकाला, इसको डबल करके, जो आपके पास डॉट्स आ रहे हैं ना, वो मतलब दुगने आ रहे हैं, मतलब डबल आ रहे हैं वो, जैसे इसमें 1 था लेकिन ये फॉर्मूला आपको आंसर दे रहा है 2, दूसरे वाले में असल में 3 थे लेकिन फॉर्मूला क्या देगा 6, क्योंकि आपने डबल किया था ना, इसमें असल आंसर 6 है लेकिन फॉर्मूला क्या देगा 12, तो ये आपको डबल आंसर दे रहा होगा। तो इसको कवर करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, अब ये जो फॉर्मूला देगा अब आपको यही आंसर दे रहा होगा। आप n की जगह 1 पुट करना पहली टर्म, n की जगह 2 पुट करना दूसरी टर्म, इस तरीके से फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बुक ने डिराइव भी करवाया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, वैसे मैं हर फॉर्मूले को डिराइव नहीं करवाता लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बेसिक बेसिक मैथ थी इसके अंदर, तो मैं इनका बता दूं आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, जो असल चीज में आपने देखनी थी, जो मैं रिखवाने लगा हूं आपको, किसकी जनरल टर्म है n, n प्लस 1 अपॉन 2। और अब ये जनरल टर्म आपको क्या फायदा देगी, पेपर में सवाल आ जाएगा कि यार जो ट्राइंगुलर सीक्वेंस है ना, उसकी 7वीं 8वीं और फॉर एग्जाम्पल 10वीं टर्म निकालो, मतलब आपको बोलेंगे 7th, 8th और 10th टर्म निकालो, ये दे देंगे आपको। अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपको मैनुअली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेपर में मैनुअली नहीं निकालना, फॉर्मूले में पुट करना, मैनुअल निकालोगे तो मसला हो सकता है, वो मिस्टेक निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको 7वीं 8वीं 10वीं चाहिए, तो n की जगह 7 पुट करो तो आपको 7वीं टर्म मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 7वीं टर्म इसकी होगी 7 ऐड करो 28 होगी, आप इसमें पुट करो n की जगह 7, ठीक है, तो 7 प्लस 1 क्या होता है 8, 8 को कैंसिल करो 2 से 4, 4 7 से 28, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपने n की जगह 7 पुट किया, आपको 7वीं टर्म मिल गई, 8 पुट करना 8वीं और 10 पुट करना तो 10वीं टर्म आपको यहां पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। तो हमने सीखा क्या, हमने ट्राइंगुलर, अब ये बुक का सवाल कवर हो गया, बुक में यही सवाल था जो मैंने आपको बताया अभी, तो 4.1 का सवाल भी खत्म। सीखा आपने क्या कि ट्राइंगुलर सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है, अच्छा ट्राइंगुलर सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, वो रिप्रेजेंट
इक्विलेटरल ट्रायंगल को करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कितने डॉट आपको चाहिए, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अच्छा, उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगुलर सीक्वेंस की मजीद टर्म्स निकालनी हो तो जनरल फॉर्मूला आपने देख लिया, अब उस जनरल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके टर्म निकालते जाओगे. सर फर्स्ट टर्म को डिस्क्राइब करें. यार फर्स्ट टर्म आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म में एक ही डॉट है. यार इसको इस तरह समझ लो कि ऐसे कितने ऐसे मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट देखे हैं सेकेंडरी में है. मैं आपको अभी क्या एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक बात करता हूं मैं आपसे. आपने हाँ यूनिट सर्कल पढ़ा था ना, ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन. अगर सर्किल की जनरल इक्वेशन देखो ना, सर्किल की जनरल इक्वेशन ये होती है, यूनिट सर्कल में रेडियस वन होता है तो आप यहाँ पे वन पुट कर देते हो, वन का स्क्वायर वन होता है. ठीक है, ये वैसे बेसिक सर्किल की इक्वेशन होती है. तो यहाँ पे कितनी दफा एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है पॉइंट सर्किल का. पॉइंट सर्किल क्या होता है कि आप रेडियस जीरो पुट कर दो. पॉइंट सर्किल आप उस सर्किल को कहते हो जिसका रेडियस जीरो हो. तो आप यहाँ पे आर की जगह जीरो पुट करो, ये इक्वेशन आएगी. आप सर्च कर लो कहीं पे भी, इस इक्वेशन को बोला जाता है कि पॉइंट सर्किल की इक्वेशन है. और आप जरा खुद सोचो पॉइंट सर्किल की कोई सेंस बनती है. पॉइंट सर्किल का मतलब पता है क्या है, कैसे सर्किल है ना, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा. आप इसका रेडियस कम करते जाओ, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, एक वक्त आएगा पॉइंट बन जाएगा. मुझे बताओ इस पॉइंट की औकात है कि इसको हम सर्किल बोलें, लेकिन नाम रखा हुआ पॉइंट सर्किल. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी समझ लो कि जो ट्राइंगल सीक्वेंस है ना, जब एक डॉट होगा तो उससे कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा आपका. ऐसा ट्राइंगल होगा जिसका एरिया जीरो है, जैसे ये सर्किल बन रहा है जिसका एरिया जीरो है. उसी तरह समझ लो कि वन जो है ये ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि जिसका कोई बन नहीं रहा, लेकिन वो पैटर्न पूरा करने के लिए उन्होंने वन डाला है. इसको मैं इसी तरह समझा सकता हूँ, और कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे वन को उन्होंने क्यों शामिल किया है. तो बुक में पेज नंबर 126 पे पूरी ये चीज डिस्क्राइब की हुई है. मैंने आपको जनरल फॉर्मूला ही बता दिया, मैं साथ सवाल भी करवा देता हूँ ताकि अलग से करवाने की क्या जरूरत है. ये 4.1 में जाओ, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको आप लोग खुद ट्राई कर लेना. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ nth टर्म. अच्छा इसको जनरल टर्म को ना आप nth टर्म भी कहते हो, nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 7, 9, 12, 16. आपके क्या करना है, आपको सातवीं टर्म, नवीं टर्म, बारहवीं टर्म और सोलहवीं टर्म निकालनी है किस ट्रायंगुलर सीक्वेंस की. तो कैसे निकालोगे, n की जगह 7 पुट करना. आप अगर पेपर में से आएगा नहीं, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, लेकिन मेरे पास अगर आ गया तो आप लिख देना कि जनरल टर्म या nth टर्म फॉर्मूला जो ट्रायंगुलर सीक्वेंस का होता है वो ये होता है. अब आप सॉल्यूशन में क्या करना, n की जगह 7 पुट करना तो आपको 7 टर्म मिल जाएगी, n की जगह 9 पुट करना तो 9th टर्म मिल जाएगी, फिर 12th टर्म, फिर 16th टर्म आपको मिल जाएगी. तो n की वैल्यूज पुट करते जाओ, वो वाली टर्म आपको मिलती जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेना आप लोग. ये जो 1, 2, 3 है ना, ये बेसिक से क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह मौका मिला एंड पे करवा दूंगा. 4, 5, 6 ये तीन जो टॉपिक है ना उनके सवाल है. तो जो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट हो गया. अब 5 वाले टॉपिक पे आ जाओ. 5 वाला टॉपिक क्या है, तो दूसरी सीक्वेंस आपने पढ़नी है यहां पे, उसको आप कहते हो फैक्टोरियल सीक्वेंस. अब ये क्या होती है, फैक्टोरियल सीक्वेंस पढ़ने से पहले बच्चों ये आप पढ़ लो कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि असल चीज फैक्टोरियल है. इसको जबरदस्ती सीक्वेंस बनाया हुआ है, बोल भी सकते हो ऐसा बड़ा मसला नहीं, लेकिन असल चीज फैक्टोरियल ही है इसके अंदर समझने के लिए. फैक्टोरियल क्या होता है, देखो बचपन से आप लोगों ने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है. फॉर एग्जांपल मैं दो बातें बोलता हूं आपको, कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस चीज को लिखो 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब ये कोई नई चीज नहीं है जो आप लोग पहली दफा देख रहे हो, तो क्या मतलब है कि आपने 6 को 5, 5 को 4 से 4 को 3, 3 को 2, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन अब ये लंबा तरीका है. अगर आप कोई आपको बोले ना कि यार 6 से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो लिखने का यही तरीका होगा, लेकिन लंबा तरीका है. हम कहेंगे यार शॉर्ट फॉर्म आ जाए, हमें शॉर्टकट बड़े पसंद है ना. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको इस तरह लिख दो 6, और ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, जो कि इंग्लिश में इसको मैं फन में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन था कुछ शायद, या फिर आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती होगी. ये वही जो इंग्लिश में आप साइन पढ़ते थे ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, पता नहीं, खैर बड़ी वीक है मेरी इंग्लिश. तो ये वो साइन है. अब इस पूरी चीज को लिखने से बेहतर इस तरह लिखो, आप क्या लिखो 6, और ये सिंबल लगा दो. इस सिंबल को आप कहते हो फैक्टोरियल का. तो जब भी किसी नंबर के आगे आप फैक्टोरियल का सिंबल देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो 10 और ये सिंबल लगा दियो 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 10 से नीचे जितने भी नंबर हैं अप टू 1 तक सबको मल्टीप्लाई करते जाओ. तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 5 6 6 5 4 3 2 1 अप टू 1 तक आपने सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना. 10 से लेके 1 तक आपने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये इस सिंबल का मतलब है.
ठीक है, तो इनकी वैल्यूज भी आपको वैसे याद होनी चाहिए. जैसे वन फैक्टोरियल जो है ये तो वन ही होता है. टू फैक्टोरियल जो है, टू फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, टू मल्टीप्लाई वन, क्योंकि टू से नीचे वन ही है, बस वन से नीचे नहीं आपने जाना होता, तो टू से वन, टू मल्टीप्लाई वन टू होता है. इसी तरह थ्री फैक्टोरियल क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, थ्री से लेके आपने वन तक जाना है, ये सिक्स हो जाएगा. इसी तरह फोर फैक्टोरियल क्या होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसको मल्टीप्लाई करना है 24 होगा. इसी तरह फाइव फैक्टोरियल कर लेना मल्टीप्लाई 120 आएगा. इसी तरह सिक्स फैक्टोरियल कर लेना मल्टीप्लाई 720 आएगा. और सेवन फैक्टोरियल कर लेना मल्टीप्लाई यहां पे 5040 आएगा. एटलीस्ट सेवन फैक्टोरियल तक आप याद रखो, क्योंकि सेवन फैक्टोरियल तक याद रखना थोड़ा ईजी है, या एटलीस्ट सिक्स फैक्टोरियल तक आपको याद होना चाहिए. अच्छा, अगर याद नहीं है तो उसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, कैलकुलेटर में आपको बटन मिल जाएगा. अब ये ढूंढना आपका काम है. मैंने YouTube पे जो कैलकुलेटर सॉल्व करवाया है उसके अंदर तो मैंने चीज बताई भी है, लेकिन खुद भी आप बटन ढूंढ सकते हो. इस टाइप का बटन आपको मिल जाएगा, ये जो साइन बना हुआ होगा उसके ऊपर, ये फैक्टोरियल का होता है. तो अगर आप पेपर में भूल जाओ ना, फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो जस्ट लिखना कैलकुलेटर में 10 फैक्टोरियल का बटन दबाना, कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा. तो ये चीज आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये शुरू के एटलीस्ट 6 और 7 फैक्टोरियल याद कर लो तो बेहतर है. कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज में बाद में आएगा एंट्री टेस्ट में जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए. तो ये सिंपल फैक्टोरियल है बच्चों. फैक्टोरियल आपके लिए आसानी पैदा करता है कि इतने बड़े प्रोडक्ट को आप आसानी से लिख दो, मतलब आपने समझ लिया कि मल्टीप्लाई करना होता है आपको अप टू वन तक, सही है. इसका जनरल फॉर्मूला भी आप बना सकते हो फैक्टोरियल मालूम करने का, ये जो फॉर्मूला ना. अच्छा, उससे पहले एक और बात ये कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको कहीं रोक भी सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जो फाइव फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो वैसे तो फाइव फैक्टोरियल को अगर आप इस तरह लिखो तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म है ना, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी नंबर के ऊपर रोक भी सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मुझे फोर से नीचे नहीं जाना, तो आप क्या करो, आप फोर पे अगर रुकना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो. सिंपल मतलब वही है ना कि जब फोर फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो वही आ रहा होगा फोर थ्री टू वन. लेकिन किसी सवाल में अभी आप लोगों को बात समझ नहीं आई कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके चैप्टर नंबर सिक्स में आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे, या चैप्टर नंबर सेवन किसी में भी. मैंने बुक नहीं असल में देखी किस चैप्टर में क्या सवाल लिखा हुआ है. आगे जाके ऐसे सवाल मिल जाएंगे जिसमें ये चीज बड़ी काम की होगी, तो तब आपको समझ आएगा हमें क्यों सर ने बताया था ये. तो अगर आप वन से पहले किसी नंबर पे रुकना चाह रहे हो तो रुक जाओ, लेकिन उसके बाद फैक्टोरियल लगा देना. तो फाइव फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हो, फाइव फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हो, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री पे रुक जाओ, तो थ्री पे फैक्टोरियल लगा दिया मैंने. तो अगर वन से पहले किसी नंबर पे रुकना चाह रहे हो आप, तो वहां फैक्टोरियल लगा दो, मतलब वही बनेगा. थ्री फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, थ्री टू वन, मतलब तो वही बन रहा है ना इसका. तो जनरल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है, n कोई भी नंबर हो सकता है, वन टू थ्री किसी का भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो, तो किसके बराबर होगा कि सबसे पहले आप वही नंबर लिखते हो, ठीक है. जैसे फाइव फैक्टोरियल में आपने सबसे पहले फाइव लिखा था, उसके बाद आप क्या करते हो, जो उससे एक कम नंबर होता है, तो n से कम नंबर क्या होगा, n माइनस वन. अगर आपने जनरल फॉर्म में कम दिखाना है, n होता है पांचवा, फॉर एग्जाम्पल n की जगह अगर फाइव पुट कर दो, तो फाइव से छोटा नंबर क्या होता है, फोर, तो फोर को कैसे लिखोगे, n माइनस वन, ठीक है. और अगर आप यहां पे रुकना चाह रहे हो तो आप इस तरह लिख सकते हो. वैसे तो आप इसको लंबा लेके जा सकते हो कि n फैक्टोरियल बराबर है n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, करते 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 एंड पे थ्री टू वन. जाना तो आपने बिल्कुल वन तक होता है ना, तो फुल फॉर्म तो इसकी ये है, लेकिन मैं अगर n माइनस वन पे रुकना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे रुक सकता हूं और फैक्टोरियल लगा दूंगा. तो किसी भी नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल मालूम करना है ना, तो ये वाला फॉर्मूला भी एक काइंड ऑफ बनाया हुआ है, इससे भी आप आसानी से मालूम कर सकते हो, और ये आपको काम देगा किसी सवालों के अंदर. ये वैसे तो टॉपिक चैप्टर नंबर सिक्स का है, तो ये बातें जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ये बाद में काफी काम आएंगी आपको, तो देख लो यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे कंट्रोवर्सी, मैथ की कंट्रोवर्सी है वो कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है. आपने वन फैक्टोरियल का पढ़ा लेकिन जीरो फैक्टोरियल का नहीं पढ़ा, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है. वैसे हमें लगता है कि जीरो फैक्टोरियल जीरो के बराबर होगा, वैसे एक सेंस हमारी क्या बनाती है, क्योंकि आपने हमेशा वन तक जाना होता था ना, तो जीरो कहां से आ गया, जीरो फैक्टोरियल में कहां तक जाओगे, जीरो से नीचे तो वन आता नहीं है, जीरो से ऊपर वन आ रहा है, तो उसका मतलब जीरो फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, सेंस नहीं बना रही है बात. तो हमने कहा क्या, हमने कहा इसके प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीका है कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसको आप यूज कर लो. ये फॉर्मूला आपको आसानी से जीरो फैक्टोरियल का आंसर देगा. ये निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चैप्टर सिक्स सॉल्व करोगे तो जीरो फैक्टोरियल बहुत सी सिचुएशन में आ रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है. तो कैसे निकालेंगे, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, याद रख लो ये फॉर्मूला वैलिड है n बिलोंग्स टू नेचुरल के ऊपर. आप नेचुरल के अलावा कुछ नहीं पुट कर सकते इस फॉर्मूले में, सेंस नहीं बनेगी इसकी. कोई फ्रैक्शन आप पुट नहीं कर सकते, वन अपॉन टू का फैक्टोरियल नहीं आप निकालते, थ्री अपॉन फोर का फैक्टोरियल नहीं निकालते,
सिर्फ नेचुरल नंबर का निकालते हो या जीरो, मतलब होल नंबर का आप कह लो कि होल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले में जीरो नहीं पुट कर देना, इस फॉर्मूले में आप नेचुरली पुट करोगे। उसकी वजह कि अगर एन की जगह जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो माइनस वन, मतलब माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आपने एन को नेचुरली पुट करना है, वन टू थ्री फोर, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जगह एन की जगह वन पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन की जगह वन पुट करो, यहाँ पे एन की जगह वन पुट कर दो। वन फैक्टोरियल आपको पता है वन होता है, ये भी वन होता है, और वन माइनस वन क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल। इस वन को जाके डिवाइड कर दो तो जीरो फैक्टोरियल का आंसर आ रहा है वन। ये छोटा सा प्रूफ है जीरो फैक्टोरियल मालूम करने का। आई नो आपके जहन में कोई सवाल हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल एड्रेस करना नहीं जा रहा। अगर इस मजीद आपको सवाल पूछने तो ये बाद का टॉपिक है। बुक में ये चीज अभी मेंशन कर दी है मैंने आपको, थोड़ा प्रूफ करके भी दिखा दी है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सबने समझ लिया ना। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर एन की जगह वन पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा जीरो फैक्टोरियल वन है। फिर कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे बाकी चैप्टर्स में, थोड़ा और समझ लेंगे इसके बारे में कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। अभी के लिए इतना नॉलेज आपके लिए काफी है। और आखिरी बात कि आप कुछ नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकाल नहीं सकते, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना उनका आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप एन की जगह जीरो पुट करोगे ना, यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की जगह जीरो पुट करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल, यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट करो और यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट करो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस वन फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल आपको पता है वन के बराबर होता है, ठीक है। इस जीरो को जाके डिवाइड कर दो, आप देखो माइनस वन का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, वन अपॉन जीरो, और आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, ये मसला है। तो इसका मतलब माइनस वन का फैक्टोरियल आप नहीं निकाल सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं आप नहीं निकाल सकते, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इनका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो फैक्टोरियल किसके एग्जिस्ट करते हैं, जितने होल नंबर हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इनके एग्जिस्ट करते हैं आप लोगों के लेवल पे। अगर थोड़ा लेवल बड़ा होगा ना तो बाकी नंबर्स के भी एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर के फिर भी नहीं करेंगे, नेगेटिव इंटीजर के कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या मास्टर लेवल पे, तो फिर आपको फ्रैक्शन के इंटीजर भी, फ्रैक्शन के फैक्टोरियल भी मिलेंगे, कि वन अपॉइंट टू का फैक्टोरियल निकाल रहे होगे या थ्री अपॉइंट फोर का निकाल रहे होगे। लेकिन वो आपका टॉपिक नहीं है, मैं बिल्कुल उसमें जाना नहीं चाह रहा। आप लोगों के लेवल पे क्या है कि जितने भी होल नंबर है ना, जीरो वन टू थ्री, इन्हीं के फैक्टोरियल आप निकालते हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने फैक्टोरियल से दे दी है, क्योंकि पहली दफा आप लोग पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर सेवन में भी यही इन्फॉर्मेशन काम आएगी, दोबारा मैं वहां पे नहीं बताऊंगा। तो जितना आपने सीखना था यहीं पे सीख लिया फैक्टोरियल के बारे में। अच्छा, फैक्टोरियल का एक और सिंबल भी होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। मतलब आप इसको वन फैक्टोरियल इस तरह लिखो, या आप वन के अंदर ये चीज लगा दो, एक ही बात है। ये भी वन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। आपकी बुक में ये चीज है, लेकिन फेडरल की बुक में अगर आप देखो तो ये वाला नोटेशन भी है, पंजाब बोर्ड में ये भी लिखा था, तो बेहतर है दोनों पता होनी चाहिए आपको। अब आज उस टॉपिक के ऊपर कि फैक्टोरियल सीक्वेंस क्या होती है। तो भाई ये कोई खास चीज नहीं है, जिस भी सीक्वेंस के जनरल टर्म में फैक्टोरियल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोई जनरल टर्म लिखूं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जनरल टर्म आ जाए टी एन या ए एन, आप जनरल टर्म लिखते हो, वन अपॉन आप इस समझ लो एन फैक्टोरियल, तो ये भी एक फैक्टोरियल सीक्वेंस है, क्योंकि फैक्टोरियल आ गया ना इसके अंदर। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए अपॉन एन फैक्टोरियल, ये भी एक क्या कहते हैं, फैक्टोरियल सीक्वेंस है। इसी तरह बुक ने भी एग्जाम्पल दी हुई है, उस पर भी आ जाते हैं। बुक ने एग्जाम्पल दी हुई इस वाली सीक्वेंस की, टू की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसको भी आप फैक्टोरियल सीक्वेंस बोलोगे। क्यों? जिस सीक्वेंस में फैक्टोरियल आ जाए भाई, वो फैक्टोरियल सीक्वेंस कहलाती है। देखो नई चीज नहीं है इसके अंदर, जिस भी सीक्वेंस में फैक्टोरियल आ जाए आप उसको बोलोगे फैक्टोरियल सीक्वेंस है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सीक्वेंस इन्वॉल्विंग फैक्टोरियल इज कॉल्ड फैक्टोरियल सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस जिसके अंदर फैक्टोरियल आ जाए, सीक्वेंस को आप बोलोगे कि फैक्टोरियल सीक्वेंस है, ठीक है। अब पेपर में कैसे सवाल आएगा इसका? पेपर में सवाल सिंपल ही आएगा कि आपको कोई फैक्टोरियल सीक्वेंस की जनरल टर्म दे देंगे, जैसे इसकी जनरल टर्म वो दे देंगे, ये भी फैक्टोरियल सीक्वेंस है, ये सब फैक्टोरियल सीक्वेंस है। तो पेपर में आपको उसकी जनरल टर्म दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा सीक्वेंस की पहली दूसरी तीसरी चौथी या कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालने को बोल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे आ जाओ, 4.1 का करवाऊंगा नहीं, खुद आप लोग कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। चलो हल्का फुल्का शायद मैं आइडिया दे दूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म। अगर आप देखो जो सीक्वेंस की जनरल टर्म है उसमें फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि फैक्टोरियल सीक्वेंस है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जनरल टर्म क्या है, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, ये है। आपको बोला गया फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एन की जगह वन पुट करो तो पहली टर्म आ जाएगी, पुट करो
एन की जगह वन पुट करो ये ए वन हो जाएगा, यहाँ पे वन पुट करो ये हो जाएगा वन प्लस वन फैक्टोरियल। वन प्लस वन टू होता है ना, तो टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल सिंपल वन हो जाएगा ना, तो पहली टर्म आपकी वन आ जाएगी। फिर एन की जगह आप यहाँ पे टू पुट करो, टर्म क्या होगी टू पुट करो ये हो जाएगा टू प्लस वन, ऊपर आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा टू फैक्टोरियल। सॉल्व करना, आंसर आपको थ्री मिल रहा होगा। इसी तरह एन की जगह थ्री पुट करो, थ्री प्लस वन ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व। अच्छा, फैक्टोरियल्स को ना सॉल्व करने का भी एक सिंपल तरीका होता है विदाउट कैलकुलेटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बड़ा मैं लिखता हूँ टेन फैक्टोरियल अपॉन नाइन फैक्टोरियल, आप देखते साथ ही घबरा जाओगे यार कैलकुलेटर के बगैर मैं कैसे करूं, टेन फैक्टोरियल का आंसर इतना बड़ा होगा, नाइन फैक्टोरियल का आंसर इतना बड़ा होगा, डिवाइड कैसे करोगे। इसका शॉर्ट तरीका, शॉर्ट तरीका क्या होता है कि जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड कर दो। जैसे मैंने बताया था ना कि किसी भी नंबर पे आप रोक सकते हो, तो बड़ा इसमें से कौन है टेन है ना, तो टेन को आप स्टार्ट करो लिखना और किस पे रोकना है आपने नाइन के ऊपर। तो टेन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, टेन को फैक्टोरियल को लिख सकते हो टेन मल्टीप्लाई नाइन फैक्टोरियल। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी नंबर पे आप रोक सकते हो, भाई मैं टेन फैक्टोरियल को नाइन पे रोकना चाह रहा हूं और मेरी मर्जी मैं एट पे रोक दूं, बिलफर्ज अगर नीचे आ जाता है एट फैक्टोरियल तो अब मैं क्या करता इसको एट पे रोक देता, ये रहता नाइन मल्टीप्लाई एट फैक्टोरियल, जो नीचे है उस पे मैं रोक दूंगा। ये मैंने बताया था, ये फायदा होगा इसका, सवाल आ गया तो मैंने कहा बता देता हूँ। फिर आप क्या करोगे, 8 को 8 से कैंसिल कर दो, 10 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 90, ये सिंपल आंसर है इसका। तो इतने बड़े बड़े फैक्टोरियल आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, आप कैंसिल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तभी मैंने वैसे ही सॉल्व किया इसको, इसको इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, इसका आंसर 12 आ रहा होगा। फिर चौथी टर्म भी निकाले ना, एन की जगह 4 पुट करना, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर पांचवी टर्म कैसे आएगी, एन की जगह 5 पुट कर देना, तो कोई बड़ी बात नहीं करना। अब आखिरी टॉपिक है 4.1 का और वो है तीसरी सीक्वेंस। तकरीबन 15-20 मिनट रहेंगे, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, अब कौन सी सीक्वेंस है, इसको आप कहते हो पास्कल सीक्वेंस। अगेन ये जबरदस्ती सीक्वेंस बनाई हुई है, पास्कल सीक्वेंस कोई सेंस है नहीं वैसे इसकी, आपकी बुक ने फालतू में इसको पास्कल सीक्वेंस बोला हुआ है, असल में पास्कल ट्राइंगल होता था। तो पास्कल ट्राइंगल अगर आप सीख लोगे तो उसी में सीक्वेंस आ जाएगा, तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन बुक ने बनाई हुई है तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, पेपर में भी आ सकती है ये। तो पास्कल सीक्वेंस को इग्नोर करो, पहले पास्कल ट्रायंगल पता होना चाहिए, पास्कल ट्रायंगल पता है तो सीक्वेंस आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, इस पे जरा आ जाओ। देखो पास्कल ट्रायंगल बचपन से आप लोगों ने ना फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, तकरीबन बच्चों को याद होगा ये फॉर्मूला था। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे बताओ ए प्लस बी की होल पावर 5 का, जितने भी बच्चे भी क्लास में बैठे हैं किसी को नहीं आएगा फॉर्मूला, ये मुझे यकीन है किसी को नहीं आएगा। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो बता दे मुझे, नहीं आएगा किसी को, तो आप क्या करें इसके अंदर। अच्छा, अगर आप इन फॉर्मूलों में देखो ना, इनको वैसे बाइनोमियल कहते हैं, दो टर्म्स को आप बाइनोमियल कहते हो, तो बाइनोमियल की पावर अगर कोई मौजूद हो तो किस तरीके से आप एक्सपेंड करते थे। तो अगर आप देखो इसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजें कौन सी, एक तो ए बी नंबर्स के नंबर्स इसके साथ क्या लिखे हैं, तो ए बी को लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। इसका पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले ए है ना, ए की मैक्सिमम पावर होगी मतलब ए क्यूब होगा, फिर ए की पावर कम होती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी। जैसे पहली वाली टर्म में बी की पावर क्या है, जीरो है ना, अगर आपको बी नजर नहीं आ रहा इसका मतलब बी की पावर जीरो है। अब देखो ए की टर्म कम होती जाएगी पावर और बी की बढ़ती जाएगी, ए क्यूब था अब ए स्क्वायर हो गया, बी जीरो था अब बी वन हो गया, फिर ए और कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और आखिरी टर्म में बी की मैक्सिमम पावर होगी और ए की पावर जीरो होगी। तो ए बी अगर आप देखो लिखना बड़ी बात नहीं, मैं इसका आसानी से लिख सकता हूं, सबसे पहली टर्म में ए सबसे बड़ा होगा, ठीक है, अब ए कम होगा बी बढ़ेगा, मतलब अब ए फोर हो जाएगा बी वन, लिखो ना लिखो एक बात, फिर ए थ्री बी स्क्वायर, फिर ए टू बी क्यूब, फिर ए वन बी फोर, और एंड पे क्या हो जाएगा बी फाइव। ये लिखना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इसके लिए याद करने की क्या जरूरत है। असल मसला क्या है कि नंबर जिनको कोफिशिएंट्स आप कहते हो, कोफिशिएंट्स इसके साथ क्या होंगे, वो मसला होता है असल, कि यार इसके साथ क्या कोफिशिएंट आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ, इसके साथ तो वन आएगा ना, जो स्टार्टिंग और एंडिंग का होता है वो तो वन वन ही आता है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं होता, दरमियान के इनमें क्या कोफिशिएंट आएगा ये असल मसला है, वो निकालना तो मसला नहीं है ना। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो जिसको आप कहते हो पास्कल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल आपको आसानी से कोफिशिएंट बता देता है। कैसे,
इसका जो ट्राइंगल का स्टार्ट है ना वो वन से होता है, आपने वन लिखना है, उसके बाद इसके नीचे वन आपने लिखना है, इस तरीके नीचे नहीं बिल्कुल लिखना है, इसके साइड पे राइट की तरफ, इसके नहीं लेफ्ट की तरफ वन और इसके राइट की तरफ वन, ये लिख दिया आपने, ठीक है। एंड पे ऐसे ही होगा, फिर इसके लेफ्ट पे आपको एक वन चाहिए, फिर आपको वन चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसे ही आता जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आएगा, इसमें आपको वन चाहिए, फिर इसमें आपको वन, फिर इसमें आपको वन। असल मसला दरमियान में इस ट्राइंगल को कैसे आप फिल करोगे, तो वो जरा प्रोसेस देख लो। दरमियान में फिल करने का तरीका क्या होगा कि आपने ना नंबर वन है ना, अब इस वन के नीचे कुछ नहीं लिखना, अगली वाली रॉ में जैसे वन ये पहली रॉ है ना, इसको पहली रॉ आप बोलोगे, इसके नीचे वाली जो रॉ है ना उसके नीचे आपने वन के नीचे कुछ नहीं लिखना। हाँ, जो तीसरी रॉ है उसमें वन के नीचे आप लिखोगे। मैंने बोला वन के नीचे यहां पे नहीं कुछ लिखना, वन के नीचे इससे अगली रॉ जो है ना उसमें लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ऊपर के जो दो नंबर है उनको आपस में ऐड कर दो, वन और वन को ऐड करो, टू आ जाएगा यहाँ पे। तो किसी भी नंबर के फौरन नीचे आप नहीं लिखोगे, एक रॉ छोड़ के उसके बाद लिखोगे। इसी तरह ये वन है ना, वन के नीचे यहां पे कुछ नहीं लिखोगे, एक रॉ छोड़ के यहां पे लिखोगे। कैसे, वन और टू को ऐड कर दो, आ जाएगा। इसी तरह इस वन के नीचे यहां पर नहीं लिखोगे, इस वन के नीचे यहां पर लिखोगे। कैसे, टू और वन को ऐड करो, थ्री, ऊपर वाले दो नंबर को ऐड करो तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा। इसी तरह वन के नीचे यहां पर नहीं लिखोगे, और क्या आएगा यहां पर नंबर, जल्दी बताओ, फोर आ जाएगा। इसी तरह टू के नीचे आपने लिखा, नेक्स्ट रॉ में एक रॉ छोड़ के लिखोगे, क्या आएगा यहां पर नंबर, सिक्स। और फिर यहां पे जब वन के नीचे इधर लिखोगे तो थ्री प्लस वन फोर, इसको आप कहते हो पास्कल ट्राइंगल। मैं एक और रॉ इसकी बना देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए जो बताना चाह रहा हूँ। तो वन प्लस फोर फाइव, फोर प्लस सिक्स टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस वन फाइव। अब ये पास्कल ट्राइंगल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोएफिशिएंट है ना इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पहला आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल पावर जीरो का। मुझे बताओ किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो आंसर क्या आता है, वन ही आता है। तो अगर ए प्लस बी की पावर जीरो होगी तो आपको वन ही मिलेगा, तो ये वो वन आपको मिल रहा है। अच्छा, फिर दूसरी वाली रॉ जो है ये आपको कोएफिशिएंट देगी इस वाले फॉर्मूले का, ए प्लस बी की होल पावर वन। मुझे बताओ ए प्लस बी की होल पावर वन क्या होगी, सिंपल ए प्लस बी होगी, जिसमें पहला कोएफिशिएंट भी वन है दूसरा कोएफिशिएंट भी वन है, तो वन वन। अब से आपको इसका फायदा नजर आना स्टार्ट होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहला कोएफिशिएंट वन था, दूसरा टू था, तीसरा भी वन था, तो वन टू वन। और मजीद क्लियर हो जाएगा, जो चौथी रॉ आपको नजर आ रही है ना, ये आपको आंसर देगी ए प्लस बी होल क्यूब का। अभी आपको पता चल जाएगा पहला कोएफिशिएंट क्या था यहाँ पे, वन था, दूसरा थ्री था, तीसरा भी थ्री, चौथा वन था, तो ये वही तो मिल रहा है, वन थ्री थ्री थ्री। इसी तरह आपने निकालना था ए प्लस बी की होल पावर फाइव ना, ये वाले जो रॉ है ये आपको देगी ए प्लस बी की होल पावर फोर, और ये देगी ए प्लस बी होल पावर फाइव। तो देखो वैसे तो ये वाली चीजें तो आपने निकाल ली थी, कोएफिशिएंट का मसला था, तो अब आपने निकाल लिया। पहला और आखिरी तो वन वन होता है ना, उसको इग्नोर कर दो। फिर क्या है, फाइव टेन टेन फाइव, तो आप लिख सकते हो फाइव टेन टेन फाइव, बन गया फॉर्मूला। ये फायदा होता है पास्कल ट्राइंगल का। तो पास्कल ट्राइंगल आपकी हेल्प करता है कि जो बाइनोमियल होते हैं ना इनमें कोएफिशिएंट अगर आपने मालूम करना है, तो पास्कल ट्राइंगल आपकी हेल्प करेगा कोएफिशिएंट मालूम करने में, ठीक है। इससे जो अगली रॉ होगी वो होगा ए प्लस बी होल पावर सिक्स, और इस तरह आप करते जाओगे। तो मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मुझे बताओ ए प्लस बी की होल पावर टेन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने इस फाइव तक निकाला ना, फिर सिक्स आएगा, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन। तो मुझे अगर इसका निकालना है ना कोएफिशिएंट, तो मुझे डायरेक्ट मैं वो वाली रॉ नहीं निकाल सकता। जैसे अगर मुझे डायरेक्ट पांचवी ये वाली रॉ निकालनी होती तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे पूरा पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा फिर मैं निकालूंगा। इसी तरह अगर मुझे ए प्लस बी की होल पावर टेन का निकालना है तो मुझे पूरा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा अप टू ए प्लस बी की होल पावर टेन तक, फिर मुझे कोएफिशिएंट मिलेंगे। अगेन लंबा काम है, तो अगेन हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। हम कहेंगे कि ऐसा जनरल फॉर्मूला हो जो कि हमें फौरन ये सारे कोएफिशिएंट दे दे, हमें मेहनत ही ना करनी पड़े, और वो फॉर्मूला भी अब आपको पता चल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये जो पास्कल सीक्वेंस पे आ जाओ, अच्छा पास्कल सीक्वेंस क्या होती है, या ये जो भी आपको रॉ नजर आ रही है ना, जैसे पहली रॉ है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये जितनी भी रॉ है ना, इसमें जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं इनको आप कहते हो पास्कल सीक्वेंस। जैसे
ये जो ए प्लस बी की होल पावर की कोएफिशिएंट है क्या है, 1, 4, 6, 4, 1. अब अगर किसी के सामने आप लिखोगे वो कहेगा यार इसके अंदर तो कोई पैटर्न ही नहीं है, लेकिन आपको पता है इसके अंदर पैटर्न क्या है, ये कहां से आया है कि जो ऊपर के दो नंबर थे आप ऐड करते थे, इसी तरह ऐड करते थे, इस तरह ऐड करते थे. तो देखो लॉजिक इसके अंदर भी है, लॉजिक छुपी भी है इसके अंदर भी. तो जो भी रॉ आपको नजर आ रही है ना उसको आप पास्कल सीक्वेंस कहते हैं. इसी तरह जो आपको ये वाली रॉ नजर आ रही है 1, 5, 10, 10, 5, 1, तो इसको भी आप पास्कल सीक्वेंस कहोगे. तो जो पास्कल ट्राइंगल की कोई भी रॉ को आप पकड़ो उसको आप बोलोगे पास्कल सीक्वेंस. ये है पास्कल सीक्वेंस. तो अब अगर आपको पास्कल सीक्वेंस निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी की होल पावर 10 है ना, तो इसकी पूरी सीक्वेंस बन रही होगी ना, कोएफिशिएंट इसमें आ रहे होंगे, तो उसको आप बोलोगे पास्कल सीक्वेंस. अब वो हम कैसे निकालेंगे, इतना लंबा ट्राइंगल बना के मसला होगा, तो हम एक शॉर्ट फॉर्मूला इसका कंसीडर करते हैं. वो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म फॉर्मूला, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फॉर्मूला इसका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अब आप कहोगे सर ये r कहां से आ गया दरमियान में, तो बताता हूं जरा n और r का क्या मतलब है. अच्छा नॉर्मली आपका जो सीक्वेंस होती है ना उसमें n स्टार्ट होता है, नॉर्मली 1 से स्टार्ट होता है. अगर आपने देखा होगा ना आप n की जगह 1 पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म. यहां पे जो आपको n नजर आ रहा है ना वो n ये वाला n है. जैसे जो ये बाइनोमियल होता है ना इसको जनरल फॉर्म में आप इस तरह लिखते हो a प्लस बी की पावर n. तो आप देखो जो पावर n है कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है. तो जो बाइनोमियल में हम कंसिडर करते हैं ना, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं पावर, जीरो से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो कहने का मतलब यहां पे जो पहली टर्म है ना, जो पहली रॉ आपको नजर आ रही है उसमें एन की वैल्यू जीरो है, जो दूसरी रॉ है उसमें एन की वैल्यू वन है, जो तीसरी रॉ है उसमें एन की वैल्यू टू है, चौथी रॉ में एन की वैल्यू थ्री है. तो जरा ऑब्जर्व करना यहां पे एन वो वाला नहीं है जो आप पढ़ते थे कि पहली रॉ को वन बोल दो, दूसरी रॉ को टू बोल दो. यहां पे जो भी रॉ होगी ना, जो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं इसका सवाल कैसे आएगा. आपके पास सवाल इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन एन इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8. क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एन की वैल्यू आपको दी जाएगी, आप डायरेक्ट यहां पे एन की वैल्यू पुट कर लेना. लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप एन की वैल्यू यहां पे 2 पुट करोगे ना तो आपके पास ये वाली आएंगी. अगर आप इस फॉर्मूले में एन की जगह 4 पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा. आप ये नहीं कहना कि एन 4 का मतलब चौथी रॉ, चौथी रॉ तो ये वाली है, लेकिन अगर आप इसमें एन की जगह 4 पुट करोगे ये आंसर नहीं आएगा, आपके पास ये वाला आंसर आएगा. उसकी मैंने वजह बता दी है कि जो भी रॉ होगी उससे एक कम एन होता है. अगर एन आपने 4, मतलब इसको इस तरह समझ लो, अगर एन 4 है तो आपको 5वीं रॉ मिलेगी, अगर आपने एन 5 पुट किया तो आपको 6ठी रॉ मिलेगी यहाँ पे. ठीक है, अब जरा वर्क करके देख लेते ना इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है. पहले मैं ये वाला बताता हूं फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा. ये जनरल टर्म फॉर्मूला है, अब ये वर्क कैसे करेगा. फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे निकालना है ए प्लस बी की होल पावर 5 का कंसीडर करते हैं क्योंकि वो आपके सामने निकला हुआ भी है. मुझे इसके कोएफिशिएंट निकालना है, तो आपको कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आपके कोएफिशिएंट निकालने ना. आप सिंपल एक काम करो, ये जो फॉर्मूला है ना ये इसी से आया है वैसे. अब इसकी डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल है, मैंने समझाया भी यूट्यूब पे लेकिन मुश्किल है कि इससे आपने कैसे ये फॉर्मूला निकाला. तो डेरिवेशन को मैं स्किप कर रहा हूं. इस पास्कल ट्राइंगल से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, जैसे ही हमारे पास फॉर्मूला आया है अब इसको हम इस्तेमाल देख रहे हैं कैसे करना है. तो बिलफर्ज आपको निकालने इसके कोएफिशिएंट, कैसे निकालोगे, आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. इसमें एन क्या होगा, जो यहाँ पे पावर है एन हो जाएगी. और सवाल है कि आर क्या होगा, भाई आर स्टार्ट होगा जीरो से लेके और खत्म कहां पे होगा, जो एन की वैल्यू है. क्या मतलब, जैसे इसमें देखो ना यहाँ पे आर जीरो होगा, फिर आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, 3, 4, 5. R की जो आखिरी वैल्यू होगी वो N पे खत्म हो जाएगी. N अगर 5 है तो R की आखिरी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. तो स्टार्ट होगा R 0 से, फिर 1, 2, 3, 4 और एंड तक जाएगा. तो यहां पे R की आपने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है अप टू N तक. N यहाँ पे 5 है तो आप 5 तक पुट करोगे और आप पुट करते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप इस फॉर्मूले में सबसे पहले N तो 5 ही रहेगा, इस फॉर्मूले में N की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, अभी मैं R कुछ नहीं पुट कर रहा, इसी तरह नीचे भी मैंने N की जगह 5 पुट कर दिया. तो n तो चेंज नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पे रहेगा, फर्क पड़ेगा r के अंदर. सबसे पहले आप r की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो यहां पे r की जगह 0 पुट करो, यहां पे भी r की जगह 0 पुट करो. देखो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इग्नोर कर दो, 5 - 0 5 ही होता है. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 के बराबर. तो देखो पहली टर्म आपको मिल गई है. अब दूसरी कैसे निकालोगे, r की जगह 1 पुट कर दो, इसी तरह यहां पे भी r की जगह 1 पुट कर दो. अगेन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इग्नोर कर दो. 5 - 1 4 फैक्टोरियल, तो जब 5 फैक्टोरियल को आप डिवाइड करोगे 4 फैक्टोरियल से तो देख लेना आंसर 5 आएगा. ये देखो
दूसरी टर्म फाइव है यहाँ पे, तो ये जो आपके पास रॉ है ना पूरे को पास्कल सीक्वेंस आप कहते हो ना, तो ये पूरी पास्कल सीक्वेंस आपके पास आ रही है। फिर आर की जगह आप टू पुट करो, अभी आर की जगह टू पुट करो, फाइव फैक्टोरियल को जब आप डिवाइड करोगे थ्री फैक्टोरियल से तो आंसर आपके पास आएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी को डिवाइड करोगे टू से तो आंसर आ जाएगा टेन। इस पूरी चीज को आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना देखना आंसर टेन आ रहा होगा। तो देखो अगेन तीसरी टर्म आपको मिल गई। तो कहने का मतलब है अब आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए प्लस बी की होल पावर टेन के कोफिशियंट निकालने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके कोफिशियंट निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं है। आप एन की जगह टेन पुट करोगे और आर की वैल्यू जीरो से लेकर टेन तक जाओगे और सारे आपके पास कोफिशियंट आ जाएंगे और आप ए प्लस बी की होल पावर टेन का आसानी से फॉर्मुला भी लिख सकते हो और वो जो सारे नंबर आएंगे उसको आप क्या कहते हो, पास्कल सीक्वेंस। ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कल की क्लास में बच्चों हमने जो 4.1 के मेन टॉपिक थे, तीन सीक्वेंस थी वो पढ़ ली थी हमने, और क्वेश्चन नंबर 4-5 जो ट्रायंगुलर सीक्वेंस और पास्कल सीक्वेंस थी, सॉरी फैक्टोरियल सीक्वेंस, वो तो बड़े इजी सवाल थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे कैसे करने हैं। 6 का भी मैंने आइडिया दे दिया था, उसको भी चलो दोबारा देख लेंगे। बाकी जरा क्वेश्चन नंबर 1-2 का भी एक एक पार्ट कर लेते हैं ताकि मजीद आप लोगों का आइडिया हो जाए। 4.1 में अगर आप देखो ना, पहला क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने आपको हर दफा एक सीक्वेंस दी हुई है और आपको बोला हुआ है कि यार इसकी जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म, nth टर्म, ये एक ही चीज होती है, तो आपको nth टर्म मालूम करनी है, सीक्वेंस गिवन है। अब मैं हर सीक्वेंस की आपको जनरल टर्म निकाल के नहीं दिखाऊंगा, उसकी वजह यह है कि इसमें से कितनी ऐसी सीक्वेंस है जो आपने बाद में पढ़नी है, जैसे पार्ट 1 जो है ये अरिथमेटिक है आप लोग पढ़ोगे, इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है वो ज्योमेट्रिक है ये भी आप लोग पढ़ोगे, पार्ट नंबर 5 भी ज्योमेट्रिक है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये तो तीन तो करवाने की जरूरत नहीं है, आपने आगे पढ़नी है, तो इनको हम फिलहाल स्किप करते हैं। जो पार्ट नंबर 2, 4 और 6 की सीक्वेंस है ना, ये सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है कि यार आपको एक सीक्वेंस दे दें बोले जनरल टर्म निकालो। तो फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 2 में एक सीक्वेंस गिवन है, जरा उसकी जनरल टर्म निकाल के देखते हैं। सीक्वेंस गिवन है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ... एक इन्फिनिट सीक्वेंस है, जनरल टर्म क्या होगी इसकी? देखो जनरल टर्म मैंने कल भी बताया था, जनरल टर्म का मकसद ये होता है कि अब देखो ये तीसरी टर्म आपको पता है इसकी, चौथी टर्म आप लिख सकते हो, पांचवी टर्म आप लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी 100 टर्म लिखो तो आप मैनुअली अगर लिखने लग गए तो 100 टर्म लिखने में काफी टाइम लग जाएगा। तो जनरल टर्म आप निकालते हो उसकी, उसमें आप एन की जगह 100 पुट करोगे और आपके पास 100 टर्म जो है वो आ जाएगी। तो अब जनरल टर्म बनाने का तरीका क्या होता है? देखो कुछ तो सीक्वेंसेस हैं जिनके फॉर्मूले आपको पता है जनरल टर्म बनाने के, जैसे अभी अरिथमेटिक का फॉर्मूला पढ़ोगे, ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला पढ़ोगे, हार्मोनिक का पढ़ोगे, कितने ऐसी सीक्वेंस है जिसका आपको फॉर्मूला बताया जाएगा कि यार इस फॉर्मूले की मदद से आप जनरल टर्म बना सकते हो इसकी। लेकिन कुछ ऐसी सीक्वेंस है जो ये नहीं है, मतलब एपी जीपी एचपी नहीं है, इसके अलावा कोई और रैंडम सीक्वेंस है, उनका जनरल टर्म आप कैसे बनाओगे? आप उसमें ढूंढोगे पैटर्न, यार पैटर्न क्या है इसके अंदर, उस पैटर्न की मदद से आप जनरल टर्म निकालोगे। कैसे, क्या मतलब इसका? अगर आप ऑब्जर्व करो इस सीक्वेंस की जो भी टर्म है स्क्वायर हुआ हुआ है, हर सीक्वेंस की जो भी टर्म है उसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, तो जो इसकी जनरल टर्म होगी ना उसकी पावर भी 2 होगी, क्योंकि जनरल टर्म कोई अलग टर्म थोड़ी ना होती, जनरल टर्म इज लाइक 5th, 6th, 7th टर्म, यही है ना जनरल टर्म के। तो अगर आप देखो शुरू की 3 टर्म की पावर 2 है तो जो आपकी कोई भी इसके आने वाली टर्म्स होंगी उनकी पावर भी 2 होगी, ये पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पावर 2 तो आपको नजर आ गया कि यार जो जनरल टर्म है उसके अंदर भी पावर 2 आ रहा है। अब आप जरा नीचे का नंबर देखो, पहली टर्म में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तीसरी टर्म में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जो पांचवी टर्म होगी उसमें 5 लिखा हुआ होगा, जो 10वीं टर्म होगी उसमें 10 लिखा हुआ होगा, जो 100 वाली टर्म होगी उसके अंदर 100 लिखा हुआ होगा, तो जो nth टर्म होगी उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, n लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं इसकी 100 टर्म क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर इसकी 100 टर्म जो है ना वो ये है 100 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जनरलाइज बात करूं, मैं बोलूं इसकी nth टर्म क्या है, तो भाई जो इस टर्म का नंबर है ना वही नीचे आ रहा होता है। जैसे अगर ये पहला पहली टर्म है ना तो उसके नीचे 1 आ रहा है, ये दूसरी टर्म है तो उसके नीचे 2 आ रहा है, तो अगर ये nth टर्म निकालनी है ना आपने तो उसके नीचे क्या आ रहा होगा, n आ रहा होगा, तो ये कहलाई जाएगी इसकी जनरल टर्म। और ये आप पुट करके भी देख सकते हो कि यार इसमें 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, दूसरी टर्म 3 पुट करोगे, तो ये इस तरीके से इसकी जनरल टर्म है। अब जब ये सीक्वेंस तो काफी इजी है इसकी, अगर आप जनरल टर्म ना भी निकालो तो आप आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, लेकिन हर सीक्वेंस इतनी इजी नहीं होती, ठीक है। बहरहाल इसकी जनरल टर्म है एन स्क्वायर। अच्छा जी, पार्ट नंबर जो 4 है उस पे आओ जरा, उसमें क्या करना है, 4 भी रहना दो यार, उसकी वजह पता है क्या है, पार्ट नंबर 4 भी एपी का सवाल है। अगर आप देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, जो पार्ट नंबर 4 में आपको सीक्वेंस नजर आ रही है ना, फ्रैक्शन नजर आ रही,
उसमें सबके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ये एक एपी बन रही है अरेथमेटिक, जो आप लोग आज की क्लास में पढ़ोगे, और जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो भी अरेथमेटिक है 2, 3, 4, 5। तो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे। अब वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह 4.1 में इस किस्म के सवाल आपको मिल जाएंगे, सॉरी 4.2 में, तो वहीं पे हम ट्राई कर लेंगे, इसको फिलहाल स्किप कर दो और पार्ट नंबर 6 पे आ जाओ, वो देखते हैं क्यों सीक्वेंस है। कोई स्टूडेंट पैटर्न ढूंढ सकता है इसमें कि क्या नजर आ रहा है आपको, क्या जनरल टर्म हो सकती है इसकी? सर 9। 9? नहीं, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो एक क्यूब नजर आ रहे हैं आपको, जैसे 8, 27, ये क्यूब है, इतना तो आपको याद होगा, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, इतना तो सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो 64 फिर किसका क्यूब होता है? 64 4 का होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये नजर क्या आ रहा है यहाँ पे, पहली टर्म जो है वो है 1 का क्यूब, दूसरी टर्म है 2 का क्यूब, तीसरी टर्म है 3 का क्यूब, चौथी टर्म है 4 का क्यूब। तो ये वही चीज है जिसको डिफरेंट अंदाज में लिखा है। मैं अगर इसी पैटर्न में लिखूं ना, तो इस सीक्वेंस को इस तरह लिखूंगा कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। आप देखो यही तो चीज है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसका 27, इसका 64, यही चीज तो लिखी हुई है। तो जो इसकी nth टर्म होगी वो क्या होगी? n का क्यूब। क्योंकि आप देखो सब टर्म के ऊपर पावर 3 है और नीचे का लिखा हुआ है, पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, चौथी टर्म में 4। तो जो nth टर्म होगी उसमें क्या लिखा हुआ होगा? n लिखा होगा। ये इसकी जनरल टर्म है। तो ये छोटे छोटे से सवाल हैं, ये MCQs में आते हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस होती है, मुझे नहीं पता इस बुक में लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, ये कंप्यूटर साइंस में भी आप लोग काफी पढ़ोगे, नाम भी काफी उसका अजीब सा है। अच्छा, पहला सवाल हो गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है 2 मिनट के लिए, ये काफी मशहूर सीक्वेंस है आप लोगों की, मुझे नहीं पता, मैंने बुक पूरी पढ़ी नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, बस देख लो कि फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, कोई इसको फिबोनाची भी बोल सकता है, फिर मर्जी उसकी, लेकिन फिबोनाची सही वर्ड है। ये सीक्वेंस क्या होती है? ये सीक्वेंस होती है कि आपने स्टार्ट करना होता है 0 और 1 से। कोई ऑथर जो है इसको कहते हैं 1 से स्टार्ट करो, कोई कहता है 0 से स्टार्ट करो, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखो 0 से स्टार्ट की जाती है ये। तो शुरू की 2 टर्म जो है ना, उसकी 0 और 1 होती है। फिर हर आने वाली टर्म कैसे आती है कि आप प्रीवियस 2 को ऐड करते हो, जैसे 0 और 1 को ऐड करो तो क्या आएगा? 1। अब प्रीवियस 2 ये है, 1 और 1 को ऐड करो 2, इसी तरीके से 1 और 2 को ऐड करो 3, इसी तरीके से 2 और 3 को ऐड करो 5, 3 और 5 को ऐड करो 8, 5 और 8 को ऐड करो 13। तो ये जो सीक्वेंस है ना पूरी, इस सीक्वेंस को आप कहते हो फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये वैसे मेरे जहन में आया था, ये आप लोगों की बुक में है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जहन में रख लेना, कभी ना यूनिवर्सिटी लाइफ में काम आ जाएगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने देख लिया, कोई खास काम इसके अंदर करना नहीं है आपको। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंसेस विद द जनरल टर्म। देखो टाइम जाया करने की इस पे जरूरत नहीं है, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शुरू की 5 टर्म निकालनी है। शुरू की 5 टर्म निकालना कोई बड़ा काम नहीं होता, एन की जगह 1 पुट करो तो पहली टर्म आ जाएगी, एन की जगह 2 पुट करो, एक कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, ये सब एक ही किस्म के हैं। आपने बस एन की 1 वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करना है, सॉल्व करना है, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये पुट करना, इन सब फॉर्मुलों में एन की जगह वैल्यूज पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर ये नहीं कर पाएगा तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना फिर। तो शुरू के पार्ट्स 6 जो है ना, पार्ट 6 तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, एन की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट करनी है और शुरू की 5 टर्म आपके बता देंगे। रही बात पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 की, इसमें क्या करना है, तो बिल्कुल इसी किस्म के सवाल जो है वो 4.2 के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे करवाने से बेहतर है 4.2 में मैं करवा दूंगा, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्ट यही सवाल आपको 4.2 में ही मिलेगा। आप लोगों के शौक के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ पे है ये। ये है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्ट वो भी यही क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। उसमें इस किस्म की आपको मिल जाएंगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और पार्ट नंबर 8 है ना, ये थोड़ा जनरलाइज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह एग्जैक्ट 4.2 में हमने करना है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लो, शुरू के 6 पार्ट जो है उसमें तो इनकी वैल्यूज पुट करो, आंसर आते जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो भी ये एंड के पार्ट की तरह ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आइडिया दे देता हूँ, करवा देते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सीक्वेंस। अब इसमें आपको ये नहीं बोला कि 5 टर्म निकालो, आपको बोला हुआ सीक्वेंस निकालो। सीक्वेंस निकालने के लिए आपको मिनिमम 3 टर्म्स तो पता होनी चाहिए। बेस्ट तरीका होता है कि 4 टर्म निकालो सीक्वेंस की, फिर डॉट डॉट डॉट। तो आपको सीक्वेंस निकालनी है तो वही 4 टर्म तकरीबन हम निकाल लेंगे। और जनरल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है,
और आया कंडीशन क्या है, टी वन टू के बराबर है। टी वन टू का मतलब फर्स्ट टर्म जो है, टी वन का मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो आपको दी हुई है टू के बराबर है। अब इसके कैसे इसको सॉल्व करोगे, भाई सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे एन की वैल्यूज पुट करनी है, एन की वैल्यूज पुट करके आपने मजीद टर्म्स निकालनी है। आपके पास देखो पहली टर्म तो गिवन है, अब आप दूसरी तीसरी चौथी निकालो, आ जाएगी आपके पास सीक्वेंस। अब दूसरी कैसे निकालोगे, यहाँ पे एन की जगह वन पुट कर दो, जब आप एन की जगह वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, तो सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एन की जगह पुट करते हैं यहाँ पे वन, तो जब एन की जगह वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा टी वन प्लस वन, यहां पे भी एन की जगह वन पुट कर दो, इसी तरह यहां पे भी एन की जगह वन पुट कर दो, ठीक है। वन प्लस वन क्या होता है, टू, और ये टी वन क्या है, सवाल में उन्होंने दिया होता है टी वन टू के बराबर है, सही। तो सॉल्व करो, ये जो दूसरी टर्म है ना किसके बराबर आ जाएगी, फोर के बराबर आ जाएगी। इस फॉर्मूले की मदद से आपने दूसरी टर्म निकाल ली है। अब तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पे एन की जगह टू पुट कर दो, एन की जगह हम टू पुट करेंगे तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे टू पुट करो, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे जब टू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, टी टू। पुट नहीं कर रहा, आपने इस पूरे फॉर्मूले में एन की जगह टू पुट करना है ना, तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू आ जाएगा, और यहाँ पे भी टू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो वैल्यू पुट कर दो उसकी, सेकेंड टर्म आपकी फोर आई थी, तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्वेल्व हो जाएगी। एहतियातन आपने चौथी टर्म भी निकाली है, तो एन की जगह आप थ्री पुट करो, यहाँ पे थ्री पुट करोगे थ्री प्लस वन फोर, इसी तरह यहाँ पे थ्री पुट करो थ्री प्लस वन फोर, और यहाँ पे थ्री पुट करो तो ये हो जाएगा टी थ्री। अब टी थ्री मतलब तीसरी टर्म ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, वैल्यू पुट करो तो आपके पास चौथी टर्म आ जाएगी 48। इस स्टेज पे आप इस सीक्वेंस को पहचानने के लिए काफी है कि आपके पास चार टर्म आ गई है, दैट्स इट, आप लिख दो, हेंस गिवन सीक्वेंस इज, जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, पहली टर्म थी इसकी टू, सेकेंड टर्म थी फोर, थर्ड टर्म थी ट्वेल्व, चौथी टर्म में 48, दैट्स इट। आगे डॉट डॉट लगा दो। वैसे इसमें पैटर्न आपको नजर आ रहा है, क्या पैटर्न है, कर क्या रहे हम यहाँ पे, सर टू टू से फोर, फोर थ्री से ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर से 48, और फिर आगे फोर 48 इंटू फाइव। हाँ एक्सीलेंट, हो क्या रहा है यहाँ पे, हर पुरानी वाली टर्म को ना हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो नंबर हर दफा इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, जैसे हमने टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर आया, अब फोर को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 48 को आप फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके बाद मखल में 48 फाइव जा 240 होता है, तो इसकी अगली टर्म जो है वो 240 आ जाएगी। तो तीन चार टर्म से आप पैटर्न आसानी से देख लेते, अगर मैं दो टर्म लिख देता ना, जैसे लिखता टू फोर, दो टर्म से आप किसी सीक्वेंस को जज नहीं कर सकते। अब इस 2-4 फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो 2-4, आपको पता ही नहीं चलेगा पैटर्न क्या है इसके अंदर। आप इसका मतलब एक तो ये ले सकते हो कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगली टर्म आ रही है, एक इसका मतलब ये बनेगा। दूसरा मतलब क्या बनेगा कि आप 2 ऐड कर रहे हो, मतलब भी तो हो सकता है ना कि 2 के अंदर आपने 2 ऐड किया तो 4 आया, और पहले वाला मतलब क्या था, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4-5 हो गए, करवा दिए थे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा देते लेकिन थोड़ा फेयर कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ फाइंड द पास्कल सीक्वेंस, कल भी बताया था पास्कल सीक्वेंस का मतलब क्या था, जो पास्कल ट्रायंगल था उसकी हर रॉ जो है उसको आप पास्कल सीक्वेंस कहते हो, हर रॉ में जो नंबर लिखे हुए ना वो पास्कल सीक्वेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन एन इज इक्वल टू 5, मैंने फॉर्मुला बताया था कि पास्कल सीक्वेंस निकालने का फॉर्मुला क्या है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मैंने डिटेल में समझा दिया था, आज बस मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था। ये जनरल फॉर्मूला था पास्कल सीक्वेंस निकालने के लिए, तो आप लिख देना है जनरल टर्म फॉर पास्कल सीक्वेंस ये होती है। अब आपको एन की वैल्यू 5, 6, 7, 8 पे करना है, मैं 5 पे करवा देता हूँ और 6 पे भी करवा दूंगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करोगे, कर लेते हैं, आप एन की वैल्यू सबसे पहले 5 पुट करोगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एन इक्वल टू 5 पे आपने पास्कल सीक्वेंस निकालनी है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा जगह 5 पुट कर दो, फिलहाल लेने दो, इसी तरह एन की जगह 5 पुट कर दो, तो ये जनरल टर्म फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पे टी 5 का मतलब वो नहीं है जो नॉर्मली आप लेते हो, बुक ने इसको नोटेशन में पास्कल सीक्वेंस में फॉर्मूला, हाँ यार ये ना करो,
तो यहां से टीएन हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नॉर्मली टीएन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टी फाइव का मतलब क्या था, पांचवी टर्म निकालो, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने कल भी बताया था कि वो जो पास्कल ट्राइंगल है ना उसमें ये छठी रॉ होगी, एन इक्वल टू फाइव पे आपको छठी रॉ मिलती है, तो जो छठी रॉ के सारे नंबर है ना उसको आप पास्कल सीक्वेंस कह रहे हो, तो छठी रॉ में पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म इस तरीके से आ रही होगी, तो इसको अगर आप टी फाइव लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने जनरल टर्म का जो सिंबल है ना टी एन वो यहाँ से हटा दिया। तो बस ये समझ लो कि पास्कल सीक्वेंस निकालने का जनरल टर्म फॉर्मूला ये, पास्कल सीक्वेंस फुल फॉर्म में लिख देना ये फॉर्मूला है। एन इक्वल टू फाइव पे आपने निकालना है, कैसे निकालोगे, अब एन इक्वल टू फाइव मतलब जो छठी रॉ थी पास्कल ट्राइंगल के अंदर उसके अंदर सारे नंबर आ रहे थे, अब वो सारे नंबर सारी टर्म्स आप कैसे निकालोगे, आर की वैल्यूज पुट करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करोगे आर की जगह पे जीरो, फाइव फैक्टोरियल आर की जगह जीरो फैक्टोरियल, फाइव माइनस जीरो फैक्टोरियल, पूरी चीज को कैलकुलेटर में निकाल लेना, इसका आंसर जो है वो वन आ रहा है, तो पहली टर्म तो वन है, फिर आर इज इक्वल टू वन पुट करो, ये हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, आर की जगह वन पुट करना वन फैक्टोरियल, इधर भी वन पुट कर देना, इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर में आंसर फाइव आ रहा होगा, फिर आर की जगह टू पुट करना टू फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा फाइव माइनस टू, इसको सॉल्व करना इसका आंसर आ रहा होगा आई गेस 10 आ रहा होगा। हाँ इसी तरीके से बच्चों आर की वैल्यू थ्री पुट करना इस फॉर्मूले के अंदर, आंसर जो है वो आपके पास 10 आ रहा होगा, आर की जगह फोर पुट करना आंसर आपके पास फाइव आ रहा होगा, आर की जगह पे फाइव पुट करना आंसर आपके पास वन आ रहा होगा, जितनी एन की वैल्यू होती है वहां तक आपने आर की वैल्यू को लेके जाना होता है। जब आपने पुट कर दिया अब वक्त आ गया पास्कल सीक्वेंस लिखने का, तो पास्कल सीक्वेंस फॉर एन इज इक्वल टू फाइव पे क्या बनेगी, वन फाइव टेन टेन फाइव वन, तो एन इज इक्वल टू फाइव पे ये है आपकी पास्कल सीक्वेंस। अब अगर पेपर में अगर ये सवाल आया तो वो इतनी वैल्यूज नहीं देंगे, मतलब एन की वैल्यूज अगर दे भी सकते हैं आपको, शायद दो वैल्यूज दे दें, एन की वैल्यू फाइव और एन की वैल्यू सिक्स, तो बिलफर्ज एन इक्वल टू फाइव पे आपने पास्कल सीक्वेंस निकाल ली, अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे एन इक्वल टू सिक्स पे हम निकालते हैं, सेम वही चीज होगी इस फॉर्मूले में, एन की जगह सिक्स पुट कर देना, फिर आर आप स्टार्ट करोगे जीरो से और अप टू जाओगे सिक्स तक, तो यहाँ पे जैसे आपके पास छह टर्म आ रही है ना तो वहां पे सात टर्म आ रही होंगी पास्कल सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, और इस तरीके से आप पास्कल सीक्वेंस निकाल लोगे, तो ये करना है आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स में काम। फोर पॉइंट हमारी कंप्लीट है, कोई सवाल कोई मसला है तो पूछ लो यहाँ तक। सर ये जो अपना पास्कल सीक्वेंस है इसमें अगर हम एन की कोई सी भी वैल्यू होगी हम डाल के, और फिर जो आर की वैल्यू होगी जीरो से लेकर जहां तक हमें एन की वैल्यू दी हुई है वहां तक हम डालेंगे आर की वैल्यू। बिल्कुल सही है, फिर जैसे मैंने बताया ना एन की वैल्यू अगर आपके पास अगले में लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स पे भी आपने निकालनी है, तो फिर आर आपका स्टार्ट होगा जीरो से और सिक्स तक जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से जा रहा होगा।